Hello everyone, very good noon. Welcome to Agriculture Adda 24/7. Agriculture Adda 24/7 के official YouTube channel पर आप सभी students का मैं हिना नथानी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. तो बच्चों आज हमारी बिहार BAO SDAO की आज बहुत important marathon है plant pathology यानी कि पादप रोग विज्ञान की. तो ये पादप रोग विज्ञान की जो marathon है बेटा, इसमें आज हम लोग फिर से बहुत सारे questions करने वाले हैं, ठीक है. और बेटा आज पूरे जोरों शोरों से हमारी तैयारी शुरू होगी. तो हाउ इज द जोश नाउ, सारे बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं अपने कंप्लीट रिवीजन के लिए. तो बेटा आज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी, क्वेश्चन के अलावा भी और भी कुछ डिजीजेज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कुछ और भी चीजें हम लोग बहुत स्पेशल पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा. लेकिन बेटा पूरे सेशन में आप लोग को बिल्कुल ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन हमारा कहां पर आ जाए, ठीक है बेटा. तो चलिए जल्दी से ताबड़तोड़ तरीके से आज हमारी अपनी बिहार बीओ की मैराथन शुरू होगी. तो चलिए बेटा उससे पहले एक छोटा सा थॉट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. यानी कि खुद पर भरोसा करो, खुद पर विश्वास करो, ताकि किसी भी चीज को ऐसा मत किसी भी चीज को इस तरीके से मत छोड़ो कि जो आपके आपके गोल्स को अचीव करने में आपको पीछे कर दे. तो बेटा खुद पर भरोसा रखो और तब तक मत रुको तब तक अपने आप को लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखो. जब तक कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक अपने आप को रोको नहीं, ठीक है. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा शिवानी अभिषेक, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. एक्चुअली मुझे कुछ कुछ बच्चों के कमेंट्स दिख रहे हैं, तो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों. चलिए ये है आपका पहला क्वेश्चन आज का, टी रस्ट इज कॉज बाय. तो बेटा चाय में जो रतुआ रोग होता है उसका कारक कौन है, उसको कॉज करने वाला कौन है. तो बेटा MLO यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म करते हैं, या फिर इसको करते हैं वायरस यानी कि विषाणु, या फिर इसको करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और एल्गी करते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा. जल्दी से बताइए बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट से बेटा जल्दी से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा. तो पहला क्वेश्चन है चाय में रतुआ रोग यानी कि टी रस्ट इन्फेक्शन कौन करेगा. सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा. तो ये एक टाइप का एल्गल इन्फेक्शन होता है यानी कि शैवाल के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है बेटा. शैवाल के द्वारा ये रोग होता है तो इसको हम एल्गल इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि शैवाल के द्वारा होने वाला रोग. दूसरा, इस रोग में बेटा जो कारक होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा सिफेलेरोस होता है. क्या होता है बेटा, सिफेलेरोस होता है. और ये ही आम में भी इस रोग को करता है, यानी कि जिसको आप लाल रतुआ रोग कहते हो यानी कि रेड रस्ट का इन्फेक्शन कहते हो, ठीक है. होता तो कॉफी में भी है लेकिन कॉफी में ये शैवाल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है. यानी कि ये एल्गल इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है. यहां पर बेटा ये इन्फेक्शन जो है किसके द्वारा होगा, एल्गा के थ्रू होगा, चाय में और आम में, ठीक है बेटा. इस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है, ठीक है. ऐसा लीफ में इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है. तो चलिए बेटा अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, विल्ट ऑफ पिजन पी इज कॉज बाय. तो पिजन पी में जो आप विल्ट का इन्फेक्शन देखते हो यानी कि अरहर में आप देखते हो कभी कभी उसका पौधा जो है वो सूख जाता है, और इस रोग को आप देखते हो बेटा, तो इस रोग का कारक कौन है, फ्यूजेरियम है, जिब्रेला है, या फिर राइजोपस है, या फिर एस्परजिलस है. तो सही उत्तर इसका क्या होगा बेटा, एक बार जल्दी से बताइए, अरहर में यानी कि पिजन पी में विल्ट का इन्फेक्शन कॉज करने वाला कौन है. हाँ बिल्कुल सही, कुमार हर्ष ने बिल्कुल सही बोला, इन कॉफी हिमेलिया, बिल्कुल सही बोला है. चलो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, फ्यूजेरियम उडम. तो देखो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि वेजिटेबल्स में यानी कि अगर हम सब्जियों में देखते हैं तो सब्जियों में विल्ट का इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, ज्यादातर जीवाणु के द्वारा होता है. जैसे आप आलू में देखते हो, है ना, आलू में विल्ट का इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, जीवाणु के द्वारा होता है. लेकिन इसके अलावा अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं यानी कि अगर आप चावल गेहूं इन सभी की, या फिर अगर हम दालों की बात करते हैं
तो ज्यादातर इनमें फ्यूजेरियम जो है बेटा, ये कवक जो है, फ्यूजेरियम ये क्या है, कवक है, ठीक है, ये ज्यादातर रोग करता है। विल्ट का जो रोग होता है जिसमें पौधा पूरे तरीके से मुरझा जाता है, तो उस रोग को कौन करता है बेटा, कवक करता है। और जो ये फ्यूजेरियम है ये क्या करता है बेटा, ये जाएगा सीधे जाइलम पे, उसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि जाइलम का जो रास्ता है ऊपर पानी को ऊपर जल का संवहन करने का, तो उसको बिल्कुल रोक देगा। रोकने के बाद फिर यहां से पानी नहीं जा पाएगा, जिस कारण क्या होता है बेटा, पौधा पूरे तरीके से सूख जाता है, ठीक है। और यही रोग हम कपास में भी देखते हैं। तो इस प्रकार, इस तरीके की कुछ हालत हो जाती है पौधे की। आप देख सकते हो यहां पर बेटा, इस तरीके से पत्तियां पूरी पीली पड़ जाएंगी, पहले पीली पड़ेंगी, फिर उसका धीरे 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 सूखने लगेंगी और नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो बेटा इस तरीके से हम इस रोग को देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द कलेक्टोट्राइकम प्रोड्यूस, तो जो कलेक्टोट्राइकम आप कवक पढ़ते हो, है ना। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून मनीष, निधि वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। हाँ, वेस्कुलर डिस्कलरेशन बिल्कुल सही बोला है। तो आपसे ये कवक के बारे में पूछ रहा है कि ये जो कवक है ये क्या बनाता है, क्या ये जाइगोस्पोर बनाता है, क्या ये ऊस्पोर बनाता है, क्या ये एस्कोस्पोर बनाता है, या फिर ये कोनिडियोस्पोर बनाता है। तो बताइए बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ मेरे बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम क्या बनाता है, फटाफट से बताओ बेटा, कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ बेटा, कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ बेटा, कैसे स्पोर बनाता है, कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम कैसे स्पोर बनाता है। तो बेटा ये बनाता है, नहीं 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 नहीं, ज्यादातर बच्चे सी कर रहे हैं बेटा, ये कोनिडियोस्पोर बनाएगा, कोनिडियोफोर्स में कोनिडियोस्पोर्स बनाएगा, ठीक है बेटा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले में चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विल्ट ऑफ कॉटन कॉज बाई फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम इस, तो ये कह रहा है आपसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है विल्ट का, यानी कि जिस रोग में पौधा पूरे तरीके से मुरझा जाता है, विल्ट का इन्फेक्शन जो हम पढ़ते हैं, उस रोग की बात ये कर रहा है कि जो फ्यूजेरियम करता है, ठीक है, जिसकी बात अभी हमने पढ़ी थी कि फ्यूजेरियम करता है भाई, तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है, नेक्रोसिस होती है इस रोग में, यानी कि परिगलन होता है, येलोइंग ऑफ टिश्यूज, यानी कि ऊतक जो है पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो ऊतक है उनका रंग उड़ना शुरू हो जाता है, या फिर जो वेसल्स होते हैं, यानी कि जो वेसल्स होते हैं, यानी कि जिनसे संवहन होता है, वो धीरे धीरे पीले पड़ने शुरू होते हैं, या उपरोक्त सभी। शाबाश, बिल्कुल सही बोला है बेटा, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, जो डी सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर भी करेक्ट है, लेकिन बेटा यहां पर देखो, ये जब विल्टिंग होती है तो उसमें नेक्रोसिस भी कहीं ना कहीं होता है, यानी कि उसमें ऊतक क्षय भी कहीं ना कहीं होता है। दूसरी बात, येलोइंग ऑफ टिश्यूज, भाई उसमें धीरे धीरे आप विल्टिंग में देखते हो कि पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टिश्यूज में येलोइंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी करेक्ट है। दूसरा, डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज का डिस्कलरेशन पीला हो गया, तो भाई सीधी सी बात है, बदरंग होना शुरू हो गया। और चौथी बात कि इसमें वेसल्स, यानी कि जो जाइलम है, वो धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वैसे गुड नून हो रहा है। चलो, तो इस प्रकार से आप इस रोग को देखोगे बेटा, इस तरीके से देखो, पत्तियों का जो रंग है वो खराब होना शुरू हो गया, पहले ही धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू होती है, फिर उसके भूरे रंग की हो जाती है, और ये देखो जाइलम का डिस्कलरेशन शुरू हो गया, यानी कि जहां से संवहन होता है जल का, वो भाग इस तरीके से भूरे रंग का हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इसका रंग भूरा नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे इसका जो रंग है वो खराब होना शुरू होता है, तो ऐसे हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। विल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया, तो भाई जो विल्ट का जो रोग था, ठीक है, विल्ट का जो रोग था गन्ने में, उसको पहली बार कहाँ देखा गया था। इसका सही उत्तर बताइए बेटा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार या फिर यूपी, क्या होगा बेटा इसका सही आंसर बताइए यहाँ पर। बेटा ये आपसे कह रहा है कि विल्ट का जो रोग है वो पहली बार कहाँ देखा गया था, कौन सी जगह पर देखा गया था, फटाफट से बताइए बेटा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। विल्ट का जो रोग था वो पहली बार कहाँ देखा गया था, बताइए बेटा, फटाफट से बताओ बच्चों। विल्ट का जो रोग था वो पहली बार कहाँ देखा गया था, फटाफट से बता दो बेटा। हाँ,
तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार 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 राइट आंसर होगा बेटा, बिहार होगा, सी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, बिहार होगा, तमिलनाडु नहीं है बेटा, बिहार है, ठीक है। चलिए अगले, ये देखो, ये शुगर केन में गन्ने में जब आप विल्ट देखते हो, यानी कि गन्ने का पौधा जब मुरझाता है तो उसमें कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। देखो पूरे जितने भी उसके पौधे हैं सब इस प्रकार से खराब हो जाएंगे, पहले पत्तियां पीली पड़नी शुरू होंगी और पत्तियों के पीले पड़ने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। मैडम प्लीज हिंदी में बताइए बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, अब इससे ज्यादा हिंदी और क्या बताऊँ इसमें। और यार साथ साथ में क्लास को लाइक भी करते रहो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन, तो आपसे पूछ रहा है कि सोयाबीन के लिए रोगजनक कारक क्या है, ये बताइए बेटा। सोयाबीन के लिए रोगजनक कारक क्या, एस्कोचाइटा है, मैक्रोफोमिना है, राइजोक्टोनिया है, या फिर पेनिसिलियम है? तो सही उत्तर बताइए बेटा जल्दी से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। विकास शर्मा बेटा आपको ही बोल रही हूँ कि सारी चीजें हिंदी में बता रही हूँ, अब इससे ज्यादा ये कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है बेटा रोगजनक कारक, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। एस्कोचाइटा का हिंदी नाम भी एस्कोचाइटा ही है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपके पास ऐसे ही पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए क्या होगा बेटा, ओके, तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि आंसर होगा मैक्रोफोमिना, जो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सारे बच्चे। तो बेटा यहाँ पर मैक्रोफोमिना जितने भी बच्चे कह रहे हैं सही आंसर है। तो चारकोल रॉट यानी कि चारकोल सड़न रोग जो आप देखते हो बेटा, चाहे ये आप मक्का में भी देखते हो, और मक्का भी बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है बिहार की, ठीक है, बिहार की महत्वपूर्ण फसलों में मक्का भी आती है। तो बेटा मक्का में भी आप देखते हो चारकोल रॉट यानी कि चारकोल सड़न रोग, उसमें भी मैक्रोफोमिना ही इस रोग को करता है, और सोयाबीन में भी मैक्रोफोमिना ही इस रोग को करता है, गांठ बांध लो, ठीक है बेटा। अच्छा कैसा होता है बेटा, इस प्रकार का रोग होता है, ठीक है, अंदर से देखो इस प्रकार से काला काला हो जाएगा, इसलिए चारकोल जैसा पाउडर, चारकोल का पाउडर देखा है, चारकोल का पाउडर काले रंग का होता है, तो बेटा उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही कुछ काले काले रंग का हो जाएगा ये, और धीरे धीरे पौधा खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द इंसिडेंस ऑफ ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो इज मोर इन, तो आपसे पूछ रहा है कि आलू में काला स्कर्फ यानी कि इसको काली रूसी भी बोला जाता है, इसको हिंदी में बेटा काली रूसी भी बोला जाता है, वैसे इसको ब्लैक स्कर्फ बोलते हैं, तो ये घटना अत्यधिक कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, बताइए बेटा। सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी में, क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी में, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी में, या फिर लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी में? तो सही उत्तर बताइए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। संतोष पाल बेटा इस पर सर ने एक सेशन किया है, आप उस सेशन को देखिए, उस सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और यार ये क्या, इतने अच्छे क्वेश्चंस तुम लोग कर रहे हो पिछले 12 मिनट से, और अभी तक तुम लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से यार सेशन को लाइक भी कर लो, है ना। ज्यादातर बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे बेटा, सैंडी सॉइल हो जाएगा, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये घटना आप ज्यादातर सैंडी सॉइल में देखते हो, ठीक है। चलिए तो ये राइजोक्टोनिया सोलेनाई करता है बेटा, इस रोग का कारक कौन सा हो जाएगा, राइजोक्टोनिया सोलेनाई हो जाएगा, ठीक है। तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई इस रोग का कारक है बेटा, जो कि क्या है, एक जीवाणु है, ठीक है, सॉरी राइजोक्टोनिया सोलेनाई जो एक टाइप का पैथोजन है, ठीक है। तो ये पैथोजन यानी कि ये रोगजनक कारक इसको करता है। आगे चलते हैं। वायरॉइड आर डिस्कवर्ड बाय, जो वायरॉइड होते हैं उनकी खोज किसने करी थी, फटाफट से बताओ बेटा। तो इनकी खोज किसने करी थी, डाइनर ने करी थी, या फिर इनकी खोज प्रूसनर ने करी थी, डोई ने करी थी, या फिर कैसेनिस ने करी थी? सही उत्तर बताइए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ मेरे बच्चों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि वायरॉइड की खोज किसने करी थी पहली बार, वायरॉइड की खोज करने वाला कौन था बेटा, बताइए जल्दी से बेटा, वायरॉइड की खोज करने वाला कौन था बेटा, सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, हाँ बेटा, हाउ टू स्टार्ट बेटा, ये तो आप सेशंस में पूछ सकते हो, अभी ये मैराथन चल रही है, ठीक है, इसमें आपको बस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, बी, ज्यादातर बच्चे बी आंसर करें, तो बेटा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डाइनर, ठीक है, डाइनर, डाइनर ने बताया था इसके बारे में। और बेटा वायरॉइडल डिजीज अगर आप पढ़ते हो तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, आलू में कंद रोग आप पढ़ते हो, स्पिंडल ट्यूबर उसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो रोग होता है बेटा, इस रोग में अगर आप देखोगे तो आलू का जो शेप है वो धीरे धीरे, मतलब उसका जो आकार है वो खराब हो जाता है, और इसके बारे में डाइनर ने बताया था, ठीक है, ये वायरॉइडल इन्फेक्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं। द यूरिडोस्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस आर डिजामिनेटेड बाय, यानी कि पक्सिनिया के जो स्पोर होते हैं यानी कि बीजाणु होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो बेटा, यूरिडोस्पोर बोलते हो, तो ये किसके द्वारा प्रसारित होते हैं, हवा के द्वारा होते हैं,
एनिमल यानी कि जीवधारियों के द्वारा होते हैं, इंसेक्ट यानी कि कीड़ों के द्वारा होते हैं, या फिर बर्ड्स यानी कि पक्षियों के द्वारा होते हैं। सही उत्तर बताइए बेटा जल्दी से क्या होगा इसका सही उत्तर। यूरिडोस्पोर यानी कि यूरिडो बीजाणु जो रतुआ रोग में आपको देखने को मिलते हैं। रतुआ रोग आपको पता है कि गेहूं की फसल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है, तो ये जो रोग है इसके जो बीजाणु है किसके द्वारा फैलते हैं। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि मैम ए आंसर करेक्ट है, क्या ए आंसर करेक्ट है? शाबाश, वेरी गुड। जितने बच्चे ए आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है, विंड यानी कि हवा के द्वारा फैलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सरफेस के ऊपर यानी कि सतह के ऊपर, पत्ती की सतह के ऊपर आप देखते हो कि उसके ऊपर नारंगी मतलब ऐसे ऑरेंज कलर के आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, उभरे हुए से कुछ दाने से आपको दिखाई देते हैं बेटा, वही क्या है, ये यूरिडोस्पोर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इंफेक्शियस स्टेज यानी कि सबसे ज्यादा रोग करने वाला कौन सा रतुआ रोग में ऐसा कौन सा बीजाणु है जो सबसे ज्यादा रोग को फैलाता है, सबसे ज्यादा फसल को खराब करता है, तो बेटा इसको क्या, वो कौन सा होता है, वो होता है यूरिडोस्पोर। कौन सा होता है बेटा? यूरिडोस्पोर, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से बेटा ये ब्लैक स्टेम रस्ट जो आप बोलते हो यानी कि तना रस्ट रोग आप बोलते हो, उस तना रस्ट रोग में कुछ इस तरीके से आपको छोटे 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 ये उभरे हुए से ऐसे कुछ दाने देखने को मिलते हैं। और ये जो दाने आपको देखने को मिलते हैं इसका नाम है बेटा पक्सिनिया, इसको बोला जाता है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई। क्या बोला जाता है बेटा? पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई इसको बोला जाता है, ठीक है। तो रस्ट डिजीज बेसिकली जो कॉज करता है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, विंड के थ्रू ये स्प्रेड होता है। आगे चलते हैं। बैक्टीरियल सेल डिविजन मेनली बाय यानी कि जीवाणु में कोशिका का जो विभाजन होता है, इसको आप कोशिका विभाजन भी पढ़ सकते हो, कोशिका का विभाजन, ठीक है। कोशिका का जो विभाजन होता है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है बताओ? बाइनरी डिवीजन होगा यानी कि द्विधारी विभाजन, फ्रेगमेंट होगा यानी कि खंडन होता है, बडिंग होगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा कोशिका विभाजन आपको देखने को मिलता है? सॉरी मैम लेट हो गई, कोई बात नहीं दीपिका, कोई बात नहीं बेटा। चलो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे बी आंसर करें, कुछ बच्चे ए आंसर करें, ठीक है। ज्यादातर बच्चे ए आंसर करें, अच्छा बी का ए बच्चे ज्यादा करें, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। जितने बच्चे ए आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है। बाइनरी डिविजन या बाइनरी डिविजन इसको बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा अत्यधिक देखा जाता है। बाइनरी डिविजन ऐसा होता है बेटा, द्विधारी विभाजन जिसको आप बोलते हो, पहले ये कोशिका होती है यानी कि एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और ये डीएनए धीरे धीरे क्या होता है, रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, ठीक है। एक ही कोशिका में एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं बेटा, तो ये दोनों डीएनए अलग अलग छोर पर चले जाते हैं। एक डीएनए इस छोर पर जाएगा, एक डीएनए इस छोर पर जाएगा। जब ये दोनों अलग अलग छोर यानी कि बोथ डिफरेंट एंड पे चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होने लगती है, यानी कि इस प्रकार से धीरे धीरे इसमें कुछ इस तरीके से बनने लगता है, और उसके बाद ये पूरे तरीके से बंद हो जाता है। फिर उसके बाद ये इनका विभाजन हो जाता है, जिसे कहा जाता है बाइनरी डिवीजन। क्या बोला जाता है बेटा? बाइनरी डिवीजन इसे बोला जाता है, ठीक है, यही अत्यधिक पाया जाता है। चलिए, शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइकोप्लाज्मा के जैसे दिखने वाले जो होते हैं उनका आकार कैसा होता है बताइए बेटा? रिजिड यानी कि कठोर होता है, क्यूबॉइड यानी कि घन के आकार का होता है जिसे आप घनाब कहते हो, या फिर एक सर्कुलर होगा जिसे आप वृत्ताकार कहते हो, या फिर जिस पॉलीमॉर्फिक होगा जिसे आप बहुरूपी बोलते हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, फटाफट से बताओ। अच्छा फास्ट हो रहा है, चलो ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगी, ठीक है, ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, फास्ट हो रहा है, मैं धीरे धीरे बोलूंगी। चलो डी, ज्यादातर बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिक यानी कि बहुरूपी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मुझे लगता है तुम लोगों ने मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से देखी है, पेड वाले बच्चों ने भी और वाईटी वाले बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, चलो शाबाश। तो बेटा बहुरूपी होता है, बहुरूपी इसलिए क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या होता है बेटा? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाने के कारण, कोशिका भित्ति का काम क्या होता है बेटा? आकार देना,
अब जब इस कोशिका भित्ति नहीं है तो इसका अपना कोई आकार नहीं होगा, तो आकार नहीं है इसलिए बहुरूपी होता है, किसी भी आकार को ले लेता है। शाबाश। चलिए अगले में चलते हैं बेटा। फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है बताइए, लुईस पाश्चर को या फिर रॉबर्ट कोच को, दोई को या फिर ईएफ स्मिथ को। अब सही उत्तर बताइए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए मेरे बच्चों। आपसे पूछ रहा है कि इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, फटाफट से बताइए बेटा इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, फटाफट से बताओ बच्चों, बताओ बताओ बताओ। चलो कोई बात नहीं, आंसर आराम से करो, ठीक है, आंसर आराम से करो, चलो कोई बात नहीं है। बताओ बेटा इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है बताइए। डी, बिल्कुल बेटा डी आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुईस पाश्चर को बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है बेटा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है, यानी कि पूरे विश्व में कहा जाता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में ये क्या है, जीवाणु विज्ञान के जनक है। रॉबर्ट कोच भी इनको भी पूरे विश्व के हिसाब से बोला जाता है, मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी के हैं। दोई का तो यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, ई एफ स्मिथ हो जाएगा बेटा। क्या सही उत्तर होगा, ई एफ स्मिथ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि उत्तर भारत और मध्य भारत में जो ब्लैक रस्ट इनोक्युलम है वो कौन कॉज करता है, यानी कि काला रतुआ रोग जो है वो जनरली कहां से आता है, उसका इनोक्युलम कहां से आता है, ये आपको बताना है। साउथ से, यानी कि दक्षिण भारत से, दक्षिण से आएगा, हिली एरिया यानी कि पहाड़ी भाग से आएगा, यूएसए से आएगा या फिर नीदरलैंड से आएगा, बताइए बेटा यहां पर सही उत्तर क्या होगा। कोच पोस्टुलेट दिए थे, बिल्कुल बेटा कोच पोस्टुलेट दिया था, लेकिन कोच पोस्टुलेट देने का मतलब ये नहीं है बेटा, कोच पोस्टुलेट उन्होंने, ये इंडिया लेवल पे आपसे पूछ रहा है बेटा, इंडियन लेवल पे आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो सारी बातें ध्यान रखनी है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर राइट आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ बेटा। बी कह रहे हैं सारे बच्चे, बिल्कुल सही बेटा, हिली एरिया हो जाएगा, ठीक है, हिली एरिया हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। राइस ब्लास्ट पैथोजन इज, तो चावल में जो ब्लास्ट रोग होता है उसका पैथोजन क्या है, फटाफट से बताइए बेटा। टेलीग्राम कहाँ पर ज्वाइन करें बेटा, ये हम क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है, अभी पहले हम फटाफट से मैराथन पे फोकस करते हैं। और यार जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं उतने बच्चों ने अपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट से यार क्लास को लाइक भी कर लो बेटा। बी बच्चे ज़्यादातर कह रहे हैं, ब्लास्ट रोग किसके द्वारा होगा बेटा, ब्लास्ट रोग किसके द्वारा होगा, ब्लास्ट रोग का रोगजनक कारक कौन सा है। शाबाश, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, बी भी कह रहे हैं कुछ बच्चे, ओके, सी भी कह रहे हैं, ओके ओके ओके, ज्यादातर बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ठीक है बेटा, पायरिकुलेरिया ओराइजी, या कहीं कहीं पर आप मैग्नोपोर्था भी देखते हो, क्या देखते हो बेटा, मैग्नोपोर्था भी देखते हो, क्या देखते हो बेटा, मैग्नोपोर्था भी देखते हो, और वैसे इसका क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजी है, जो एक कवक होता है, क्या होता है बेटा, कवक होता है। और ये ज्यादातर कब अटैक करता है बेटा, कब ये ज्यादातर रोग करता है, तो ये रोग उस समय पर करता है बेटा जब क्या होता है, जब उसकी बालियां बन रही होती हैं, ठीक है, जब उसमें दाने भर रहे होते हैं, जब धीरे, जब मिल्किंग स्टेज आता है, मिल्किंग स्टेज मतलब धीरे धीरे उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है ग्रेन्स का, ठीक है। तो जब भी ये चावल के अंदर बालियां भरनी शुरू हो जाती हैं तो उस समय पर क्या होता है बेटा, ये ज्यादातर रोग करता है, तो वो सबसे सही समय होता है। हाँ, ये एसेक्सुअल स्टेज है और सेक्सुअल स्टेज मैग्नोपोर्था होती है, ठीक है। हाँ, इसको रिचमैन डिजीज भी बोला जाता है, बिल्कुल सही बेटा, इसको रिचमैन डिजीज भी बोला जाता है। तो ये ब्लास्ट रोग है बेटा, इसमें आपको डायमंड शेप के लीजन, यानी कि जैसे हीरे का आकार होता है, इस प्रकार के आकार के आपको धब्बे पत्तियों पर दिखाई देंगे, या फिर बोट शेप भी आप उनको बोलते हो, या फिर चतुर्भुज आकार के भी आपको इसमें धब्बे दिखाई देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मैग्नोपोर्था जो है वो परफेक्ट स्टेज होता है, वो सेक्सुअल स्टेज होता है, लेकिन हमारे पास मैग्नोपोर्था ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास पायरिकुलेरिया ओराइजी ऑप्शन में, इसलिए हम पायरिकुलेरिया आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल, मिल्किंग स्टेज में जल्दी होता है।
होता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। स्मट ऑफ मेज इज कॉज बाई, तो बेटा मेज में यानी कि मक्का में स्मट रोग कौन करेगा? फटाफट से बताइए बेटा, मक्का में कंडुआ रोग किसके कारण होगा? स्टिलागो ट्रिटिकाई, स्टिलागो मेडिस, स्टिलागो हर्डाई या फिर नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, फटाफट से बताइए। हाँ शेप, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड शेप, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पर बताओ बेटा, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मक्का में स्मट डिजीज कौन करेगा बताओ बेटा, मेज स्मट डिजीज कौन कॉज करेगा? शाबाश बताओ बेटा, मेज स्मट डिजीज कौन कॉज करेगा बताओ फटाफट से, मेज में स्मट डिजीज कौन करेगा? स्टिलागो मेडिस, शाबाश। जितने बच्चे स्टिलागो मेडिस आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, स्टिलागो मेडिस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। तो बेटा आप जब स्मट डिजीज यानी कि कंडुआ रोग देखते हो मक्के में, तो आपको कुछ इस प्रकार से वो कंडुआ रोग दिखाई देता है, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से ये देखो, ये दाने जो है इनका रंग देखो कितना खराब हो गया है ना, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा इसमें कि जो ये कवक है वो कुछ इस प्रकार से रोग करता है कि पूरा पौधा जो है वो पूरे इसके जो बीज होते हैं वो धीरे धीरे इस प्रकार से खराब हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है बेटा कंडुआ रोग। क्या कहा जाता है बेटा? कंडुआ रोग। हाँ बिल्कुल सही, वीट हॉर्डाई बार्ले, बिल्कुल 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 सही। और मेज में कौन करेगा बेटा? स्टिलागो मेडिस करेगा। चलो अगले में चलते हैं। वायरस कैप्सिड इज मेड अप बाय, तो जो विषाणु में जो कैप्सिड होता है बेटा वो किसके द्वारा बनता है? प्रोटीन का बनता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या फिर न्यूक्लिक एसिड का? तो बताइए बेटा कैप्सिड किसके द्वारा बनता है, जल्दी से बताइए बेटा कैप्सिड किसके द्वारा बनता है, फटाफट बताओ बेटा। कॉर्न स्मट भी कहते हैं, बिल्कुल सही, कॉर्न स्मट भी कहते हैं। कवर्ड स्मट के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे बेटा। स्वेलन भी दिख रहा है, बिल्कुल सही बेटा। चलो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बच्चे कह रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, चलो प्रोटीन राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है प्रोटीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वायरस यानी कि विषाणु के शरीर में बेटा आपको या तो प्रोटीन देखने को मिलेगा या फिर न्यूक्लिक एसिड, क्या देखने को मिलेगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल देखने को मिलेगा और प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, शाबाश, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फाइलोडी डिजीज ऑफ स्प्रेड बाय, अरे ये हिंदी में नहीं है, चलो जो फाइलोडी रोग होता है बेटा, ठीक है फाइलोडी जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, फाइलोडी रोग जो है वो किसके द्वारा फैलेगा बताओ बेटा? तिल में फाइलोडी रोग की बात कर रहा है, ठीक है फाइलोडी रोग तिल में किसके द्वारा फैलता है बताइए बेटा, किसके द्वारा फैलेगा बताओ बेटा? बहुत पूछा जाता है ये किसके द्वारा फैलता है, फटाफट से बताओ बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए प्लस बी ठीक है मैम, नहीं बेटा एक ही आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट तो इनमें होता ही नहीं है ना बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का कोई ऑप्शन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता बेटा इनमें, बताओ बेटा किसके द्वारा फैलता है? लीफ ऑपर। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं लीफ ऑपर, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा जेसिड, जेसिड हो जाएगा। फाइलोडी, फाइलोडी जो है बेटा ये रोग जो है किसके द्वारा फैलेगा, ये फैलेगा बेटा जेसिड्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इस रोग को फैलाने वाले होते हैं जेसिड्स, ठीक है ध्यान रखना, मुझे पता था ज्यादातर बच्चे लीफ ऑपर बोलेंगे, बेटा इसका जेसिड्स आंसर है जेसिड्स, ठीक है जेसिड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। फंजाई इम्परफेक्टी इंक्लूड, फंजाई इम्परफेक्टी में कौन कौन से शामिल होते हैं? ड्यूटेरो माइकोटिना, बेसिडियो माइकोटिना या फिर एस्को माइकोटिना या ओमाइकोटिना बताइए बेटा, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ जल्दी से। हाँ जेसिड्स, माइकोप्लाज्मा जेसिड्स, ठीक है। चलिए अब बताइए बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, जेसिड्स होता है, एक बार आप अपना सोर्स दोबारा से देखिए, जेसिड्स होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर सही उत्तर क्या होगा बेटा फटाफट से बताइए, ए ए ए, ज्यादातर बच्चे ए आंसर करें, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ड्यूटेरो माइकोटिना। ड्यूटेरो माइकोटिना का मतलब होता है बेटा इसको, इसमें क्या होता है सेक्सुअल, ये जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, यानी कि इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, ठीक है इसमें, क्योंकि लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, इसमें सिर्फ अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, कवक अपूर्ण कवक बोला जाता है, फंजाई
इम्परफेक्टी जो कि परफेक्ट नहीं है। तो जो परफेक्ट नहीं है वो कौन सा है बेटा? ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना जो होते हैं बेटा इनमें अलैंगिक 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 यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से इनमें क्या होता है बेटा, इसकी वजह से जनरली इनमें इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से इनको एसेक्सुअल सॉरी इनको इम्परफेक्टी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। डाउनी मिडियो ऑफ पी कॉज बाई, तो मटर की मृदु आसिता किसके द्वारा होता है? तो पी में अगर आप देखोगे बेटा तो डाउनी मिडियो का डिजीज किसके द्वारा होगा? पर्नोस्पोरा के थ्रू, एल्बुगो कैंडिडा, एरिसिफी या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ बेटा। देखो आपको ऐसे बहुत जगह मिलेंगे बेटा, लेकिन जनरली जैसेट्स होता है, ठीक है, जनरली जैसेट्स हम देखते हैं। चलो फाइटोप्लाज्मल है ना, कंफ्यूजन है दोनों में, लेकिन जैसेट्स है मोस्टली, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ बेटा, ए ज्यादातर बच्चे आंसर करें, ए होगा इसका आंसर। चलो बताओ बेटा जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल सही बेटा, ए आंसर हो जाएगा। तो पर्नोस्पोरा पीसाई क्या हो जाएगा बेटा? पर्नोस्पोरा पीसाई। तो इरिसिफी पॉलीगोनी भी नहीं होगा, एल्बुगो कैंडिडा होगा नहीं, नन ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा पर्नोस्पोरा पीसाई, बिल्कुल सही है। और इसमें अगर आप डाउनी मिडियो का इन्फेक्शन देखोगे बेटा यानी कि मृदुआसिता रोग, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऊपर से पीलापन दिखाई देता है। मैंने आप लोगों को कई बार सेशन में बताया भी है कि अगर डाउनी मिडियो है तो ऊपर से कैसा दिखाई देगा, उसमें पीलापन आपको दिखाई देगा। शाबाश, चलो आगे चलते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है बेटा? शाबाश बताओ जल्दी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसको बोला जाता है? बताइए बेटा, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? बताइए बच्चों, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? जल्दी बताइए बेटा, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। ओके, ए बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बेटा, ईजे बटलर, बिल्कुल सही। तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है बेटा? ईजे बटलर को। केसी मेहता ने क्या किया था? रस्ट का साइकिल दिया था, ठीक है, बाकी ईजे बटलर जो है बेटा इंडियन माइकोलॉजी यानी कि कवक रोग विज्ञान के जनक, ठीक है, कवक रोग विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। तो कवक रोग विज्ञान के जनक कौन है बेटा? ईजे बटलर हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्लैक हार्ट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग से डाला है, ये वैसे तो फिजियोलॉजी का, लेकिन मैंने डाल दिया है ब्लैक हार्ट इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि ब्लैक हार्ट जो है ये किसका विकार है? टमाटर, मिर्च, आलू या फिर पत्ता गोभी, यानी कि टमाटो, चिली, पटाटो और कैबेज, इनमें से किसमें होता है बेटा? फटाफट से बताइए, बाकी भी बताइए। चलो ठीक है, अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। बीबी मुनकर ने रेजिस्टेंट वेराइटीज दी थी बेटा, केसी मेहता ने रस्ट का साइकिल दिया था, और ये जो ईजे बटलर हैं वो तो उन्होंने बताया, उनको बोला जाता है पादप रोग विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। पोटैटो, शाबाश। तो बेटा ये ऑक्सीजन के कारण होता है, सॉरी आलू का है ये रहा, तो ये बेटा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है बेटा? ब्लैक हार्ट हमें देखने को मिलता है। तो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो हम वहां पर देखते हैं, ठीक है। और आलू को काला दिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीच से आलू कुछ इस तरीके से सड़ जाता है और ये काले रंग का हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। क्या बोला जाता है बेटा? ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इसको बोला जाता है। शाबाश, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से सही मिलान कौन सा नहीं है? बताइए बेटा, ये फसलें मैं आपको हिंदी में सारी बता रही हूँ, हिंदी वाले बच्चों को तो टेंशन मत लेना, ठीक है। मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक है, सरसों में कौन सा सही मिलान नहीं है? ध्यान से देखो, इसमें सफेद रतुआ का रोग मस्टर्ड में होता है, सरसों में होता है या नहीं होता है, ठीक है। वीट, गेहूं, ठीक है, ये है चावल यानी कि राइस, ठीक है, और ये है मूंगफली। अब आपको ये बताना है बेटा कि इनमें से कौन सा रोग किसका सही नहीं है। सरसों में सफेद रतुआ का रोग होता है या नहीं होता है, चावल में ब्राउन रस्ट भूरा रतुआ होता है या नहीं होता है, गेहूं में लाल रतुआ होता है या नहीं होता है, और ग्राउंड नट में टिक्का होता है या नहीं होता है। चार प्रश्न एक ही जगह खत्म। चलो बताओ,
सी सी ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं, वीट में रेड रस्ट, वीट में रेड रस्ट, ओके सी राइट आंसर होगा, शाबाश बिल्कुल सही बेटा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा तो वीट में रेड रस्ट का इन्फेक्शन, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो, ठीक है हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। क्योंकि रेड रस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, लाल रतुआ किस में होता है, तीन फसलों में होता है, चाय में होता है, कॉफी में, चाय कॉफी तो सभी को पता है, और इसके अलावा आम में पाया जाता है, बस और कहीं नहीं है, ठीक है और कहीं नहीं है, बाकी सारे रतुआ रोग होते हैं ना। चलो हाँ, कॉफी कॉफी टी और बाकी किस में होता है, मैंगो में होता है। चलो आगे देखते हैं, हाँ शुगर केन में भी रेड रस्ट होता है, बिल्कुल होता है शुगर केन में, मेजर बता रही हूँ। चलो चावल का जो टंगरो रोग होता है, यानी कि राइस में जो टंगरो डिजीज होती है, टंगरो जो डिजीज होती है बेसिकली, इसको स्प्रेड कौन करता है, कौन फैलाता है, इसको बताओ, नियोफोटिक्स होगा या फिर इसको सोगैटेला करेगा या फिर नीलो या फिर नीलो पर्वथा करेगा या फिर थ्रिप्स करेगा, सही उत्तर बताइए बेटा क्या होगा। वैसे आपसे साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाएगा, मैंने यहाँ पर साइंटिफिक नेम लिखे हैं, ठीक है चलिए बताइए बेटा, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है वीट में, बिल्कुल सही शाबाश वेरी गुड। यार फटाफट से ना लाइक भी कर दो सेशन को, है ना लाइक भी कर दो फटाफट से यार सेशन को, बताओ बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, तो बेटा यहाँ पर ए ए ए, कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं, ए और बी, ए और बी, ज्यादातर बच्चे ए आंसर करें, ग्रीन लीफ ऑपर, चलो मुझे लगता है ग्रीन लीफ ऑपर वाले सही हैं, तो बेटा बिल्कुल सही, जो टंगरो जो रोग है ये जनरली ग्रीन लीफ ऑपर से होगा, ठीक है और ये क्या है नियोफोटिक्स, ठीक है सॉरी ये होगा हमारा निफोटेटिक्स, ठीक है निफोटेटिक्स होगा, और निफोटेटिक्स क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है हमारा ग्रीन लीफ ऑपर, क्या है बेटा ग्रीन लीफ ऑपर, देखो वेक्टर्स ढंग से याद कर लो, वेक्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है हाँ बिल्कुल सही, क्रीम नहीं बेटा ग्रीन लीफ ऑपर, ठीक है चलो आगे चलते हैं। सोयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट, तो आपसे पूछ रहा है कि मृदा सूक्ष्म जीवी सबसे अत्यधिक सक्रिय कब होते हैं, मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवी अत्यधिक सक्रिय कब होते हैं बताइए बेटा फटाफट। हाँ ग्रेसी स्टंट नीला पर, बिल्कुल बिल्कुल नीला पर्वत, बिल्कुल 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 नीला पर्वत जो है ये ग्रेसी में है बिल्कुल। चलो अब आगे बताओ बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीएलएच वाले बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका बताओ बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। मैम कितनी देर में, अभी तो करते रहो तुम लोग क्वेश्चंस, ठीक है अभी करते रहो, अभी खत्म नहीं होंगे, अभी करते रहो तुम लोग क्वेश्चंस। चलो आज हम अच्छे से प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे, बस पेपर में बहुत अच्छा करके आना है, ठीक है। ए और कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 26 से 28 के बीच, ठीक है 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है या बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। चलो आगे चलते हैं। वैम इज, वैम क्या है बेटा, वैम है, वैम क्या है, वैम तो हिंदी में वैम ही पढ़ते हो, क्या है वैम, बैक्टीरिया है, फंजाई यानी कि कवक है, वायरस है यानी कि विषाणु है, चलो वैसे वायरस भी बोलते हैं हिंदी में, विषाणु है या फिर शैवाल है बताइए बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा। हाँ बी 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 बी, ज्यादातर बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, चलो शाबाश बिल्कुल सही है बेटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कवक, ये क्या है बेटा कवक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या होता है, बड़े बड़े पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं वैम, वेसिकुला आर्बिस्कुला माइकोराइजा, क्या होता है बेटा ये माइकोराइजा है, माइकोराइजा है जो कहाँ पाया जाता है, जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और जो क्या करता है बेटा फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस का अवशोषण करने में मदद करता है, ठीक है बेटा समझ गए, चलो शाबाश। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा, तो ये है वेसिकुला आर्बिस्कुला माइकोराइजा, ये देखो हाइफी है, ये फॉस्फोरस का, ये देखो ऐसी मिट्टी जहाँ पर कमी होती है फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन की, उस मिट्टी में ज्यादातर ये पाए जाते हैं, और ऐसी मिट्टी में पौधों को मदद करते हैं, तो इनको सहजीवन में भी काउंट करा जाता है, ठीक है तो ये क्लास के लास्ट में बताऊंगी पीडीएफ का, ठीक है चलो। तो बेटा ये होता है आपका कवक। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एप्पल का डिजीज नहीं है, यानी कि सेब का रोग नहीं है, सेब में होने वाला रोग नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से सेब का रोग कौन सा नहीं है बताइए बेटा फटाफट से बताइए। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल नहीं है, या फिर पोटैटो मिडियो नहीं है, या फिर व्हाइट रॉट नहीं, व्हाइट रूट रॉट नहीं है, या फिर बंची टॉप नहीं है बताइए बेटा फटाफट से बताइए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा। शाबाश शाबाश वेरी गुड, ध्यान से देख के करो यार आंसर, आराम से करो, ध्यान से देख के करो।
कौन सा नहीं होगा बताओ। बंची टॉप नहीं होगा, बंची टॉप नहीं होगा। ठीक है, बंची टॉप किस में होता है बेटा? बंची टॉप किस में होता है रोग? शाबाश, बंची टॉप ऑफ बनाना केले में पाया जाता है, बंची टॉप ऑफ बनाना पढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा बेटा व्हाइट रूट रॉट यानी कि सड़न रोग भी आम में, ये सेब में होता है, पाउडरी मिड्यू भी होता है और फायर ब्लाइट भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये सारे रोग सेब में पाए जाते हैं, किसके सिवाय? ये बंची टॉप के सिवाय। ठीक है, तो बंची टॉप का रोग इनमें नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। बक आई रॉट इज अ डिजीज ऑफ विच क्रॉप? तो बक आई रॉट ये जो रोग है बेटा, ये किस फसल का रोग है बताइए? ये टमाटर में पाया जाता है या फिर मटर में पाया जाता है, शकरकंदी या सिंघाड़े में पाया जाता है, वाटर चेस्टनट? बताइए बेटा सही उत्तर क्या होगा बताइए। डी बनाना केला, बिल्कुल सही है, डी बनाना केला जितने बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और यार फटाफट से यार सेशन को लाइक भी कर लो। ठीक है चलो, एफिड्स बंची टॉप, शाबाश बिल्कुल सही बोला है। चलो एफिड्स बंची टॉप, हाँ ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, बीबीटीवी बनाना बंची टॉप वायरस, और इसको फैलाने वाला कौन है? एफिड्स है। ठीक है चलिए बताइए बेटा, कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ओके, नहीं सारे बच्चे ही डी आंसर कर रहे हैं। चलो शाबाश बिल्कुल सही है बेटा। और ये प्रश्न पता है कब पूछा गया था? आईबीपीएस में पूछा गया है, आईबीपीएस एफओ में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया था? मुझे लगता है ये 2021 या 22 का प्रश्न है। ठीक है, 2021-22 का प्रश्न है ये। चलिए तो बेटा ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में पाया जाता है कौन सा? बक आई रॉट डिजीज। ठीक है, और ये रोग जो है बेटा ये फाइटोफथोरा के द्वारा होगा, और इस रोग में आपने टमाटर में कभी कभी ऐसा ऐसा देखा होगा, तो जो ये आप इस प्रकार से देखते हो इसको बोला जाता है बक आई रॉट डिजीज। क्या बोला जाता है बेटा? शाबाश बिल्कुल। अच्छा कुछ बच्चे टमाटर बना के भी दे रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्टरनेरिया सोलेनाई बेटा, अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है ये लेट, ये अर्ली ब्लाइट के इन्फेक्शन को करता है। जो बच्चे अल्टरनेरिया सोलेनाई कह रहे हैं ये अर्ली ब्लाइट को करेगा बेटा, अर्ली ब्लाइट को करेगा। ठीक है, अंगमारी रोग को करता है ये। ठीक है चलो, नहीं सॉरी, अगेती, अगेती रोग बोलते हैं ना अब इसको, अगेती रोग। हाँ चलो ठीक है ठीक है, शाबाश बिल्कुल सही। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। द मेजर स्टोरेज फंजाई दैट अफेक्ट द फूड ग्रेन्स, यानी कि खाद्यान्न को प्रभावित करने वाला प्रमुख भंडारण कवक है, बताइए बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? प्रमुख भंडारण कवक कौन सा है इनमें से? खाद्यान्न को प्रभावित करने वाला प्रमुख भंडारण कवक कौन सा है बताइए बेटा, फटाफट से बता दो मेरे बच्चों। शाबाश वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अगेती, बिल्कुल बिल्कुल अगेती। ठीक है हाँ, और पछेती लेट ब्लाइट को बोलते हो ना। चलो शाबाश, अब इसका बताओ बेटा कौन सा हो जाएगा इसमें? एस्परजिलस, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों का डी आंसर, नहीं सारे बच्चे, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे डी भी आंसर करें। चलो शाबाश बेटा बिल्कुल सही है, एस्परजिलस जितने बच्चे कह रहे हैं बेटा ये सही आंसर कर रहे हैं। आपने कभी कभी प्याज को भी देखा होगा, जब आप प्याज को स्टोर करते हो ना, तो जब आप प्याज को स्टोर करते हो तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे 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 क्या होते हैं ये उसमें काले रंग के आपको कुछ धब्बे धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? ये एस्परजिलस का इन्फेक्शन होता है, और ये स्टोरेज के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। तो खाद्यान्न को जब आप भंडारण के लिए रखते हो उस समय सबसे ज्यादा एस्परजिलस अटैक करता है, इस प्रकार से देखा है ना, तो ये इसीलिए होता है बेटा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। येलो लीफ मोजैक ऑफ भिंडी क्रॉप, यानी कि भिंडी में ये जो पीला मोजैक रोग होता है, ठीक है मोजैक रोग होता है भिंडी में, किसके द्वारा फैलता है? जेसेट्स बोरर, जेसेट्स और एफिड्स या व्हाइट फ्लाई, बताइए बेटा किसके द्वारा होगा? हाँ फूड ग्रेन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैक कलर का फील्ड में एस्परजिलस ब्लैक, तो ब्लैक करते हैं फील्ड बेटा, ये स्टोरेज के टाइम पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, स्टोरेज के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं। ओके चलो अब बताओ बेटा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भिंडी में मोजैक डिजीज को स्प्रेड कौन करेगा, यानी कि मोजैक रोग को स्प्रेड यानी कि फैलाने का काम कौन करेगा? व्हाइट फ्लाई, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं व्हाइट फ्लाई। बेटा ये प्रश्न आया था क्रिबको में, ठीक है ये प्रश्न पूछा गया है क्रिबको में। ठीक है चलो बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है तो बेटा भिंडी येलो वेन मोजैक वायरस, यानी कि ओकरा येलो वेन मोजैक वायरस जो डिजीज है बेसिकली, इसको व्हाइट फ्लाई स्प्रेड करती है। कौन फैलाती है बेटा? व्हाइट फ्लाई। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द डिजीज इंक्लूड
फ्लोरल एबनॉर्मैलिटीज। तो बेटा ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रोग पुष्प असामान्यताओं को प्रेरित करता है, डाउनी मिडियो, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, या फिर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, या बोथ ए एंड सी, ए बोथ सॉरी बी एंड सी बताइए। तो बेटा ये जो मृदवासिता रोग है सरसों में, वो ग्रीन ईयर डिजीज जो आप देखते हो, ठीक है ये, या फिर व्हाइट रस्ट जो आप सफेद रतुआ वाला रोग देखते हो क्रूसिफर्स में, तो ये होगा। क्या होगा बेटा जल्दी से बताइए बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए। 28 का आंसर गलत बेटा, आप कहीं पर भी देख लो, मैं फूड साइंस भी पढ़ाती हूँ, फूड साइंस में भी अगर आप स्टोरेज में देखोगे तो एस्परजिलस ही होगा। तो एक बार आप अपनी डिक्शनरी चेक करके आओ, फिर उसके बाद बताना, ठीक है बेटा। तो डी आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, ज्यादातर बच्चे डी आंसर करेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल सही, ज्यादातर बच्चे जो डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा ये जो रोग है, और व्हाइट रस्ट जो क्रूसिफर का है बेटा, ये ज्यादातर क्या करता है, फ्लोरल एबनॉर्मैलिटी यानी कि पुष्प में असामान्यता करता है दोनों में, ठीक है। चलो तो ये दोनों रोगों में पुष्प असामान्यता हम लोग देखते हैं। चलिए तो व्हाइट ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा और व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, ठीक है। तो इसमें भी ऊपर की तरफ से खराब हो जाता है, इसमें भी धीरे धीरे ये क्या करता है बेटा, पुष्पों में असामान्यता कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज प्रिवेंटेड बाई, यानी कि केले में पनामा की रोकथाम किस प्रकार करी जाती है, उसमें जिंक का छिड़काव करा जाता है, या फिर कॉपर फंजासाइड डाला जाता है, लाइम यानी कि चूना अप्लाई करा जाता है, या फिर एडिक्वेट इरिगेशन दिया जाता है। सही उत्तर बताइए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो बच्चों क्या होगा इसमें सही उत्तर। पनामा रोग को इन सब में से आप किससे ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी रोकथाम कर पाओगे, सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी राइट आंसर होगा, कुछ बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं, ओके बी भी सी भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, ओके ज्यादातर बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, ओके ओके ओके। देखो बेटा देखो एक मिनट मैं एक बात बताती हूँ, कॉपर फंजासाइट आप स्प्रे करोगे, ठीक है, कॉपर फंजासाइट आप स्प्रे करोगे नो डाउट, लेकिन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा हाँ, तो बिल्कुल। तो जो बच्चे बोथ आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, यहाँ पर मैंने बोथ नहीं डाला ऑप्शन में जानबूझ के, लेकिन बेटा इसमें आप कॉपर फंजासाइड भी स्प्रे करोगे और इसमें आप लाइम भी सॉइल में स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। इरीगेशन ठीक है बेटा, इरीगेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा अगर हमें अच्छे तरीके से रोकथाम करनी है तो कॉपर फंजासाइड और लाइम को यानी कि चूना हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के दो आप लोगों को नहीं दी, ये ए और बी नहीं दिया था ऑप्शन में, लेकिन आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। तो एप्लीकेशन टू लाइम, और इसी के साथ साथ यहां पर मैंने एक ही मेंशन किया है, इसी के साथ साथ बी वाला ऑप्शन भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजासाइट इज नॉट सिस्टमिक इन नेचर, यानी कि पूरे शरीर में फैलने वाला इनमें से कौन सा होगा। सी इज प्रिवेंटिव मैम, हाँ सी प्रिवेंटिव है, बिल्कुल है सी प्रिवेंटिव, ठीक है। चलो बताइए बेटा जल्दी बताइए बेटा, हाँ डिजीज के बाद कॉपर फंजासाइट हम यूज करते हैं जब डिजीज हो जाती है, और प्रिवेंटिव एप्लीकेशन टू लाइम है, ठीक है। तो दोनों हम कभी कभी यूज करते हैं। तो देखो एक चीज समझो, फंजासाइट प्रिवेंटिव नहीं है, लेकिन फंजासाइट हम बाद में भी यूज करते हैं, ठीक है, थीके? और एप्लीकेशन ऑफ लाइम वो प्रिवेंटिव होता है, उसको हम पहले यूज करते हैं, वो बात सही है, इसीलिए मैंने बाद में ऑप्शन में दिया, लेकिन मैंने दोनों चीजें आपको इसलिए बताई कि हम फंजासाइट भी यूज करते हैं, ठीक है, ओके। चलो बताओ बेटा कौन सा नहीं है इसमें से सिस्टमिक फंजासाइट, यानी कि कवकनाशी प्रणाली में सॉरी प्रकृति में प्रणालीगत नहीं है, बताओ। थिरम पक्का, बी बी बी, ज्यादातर बच्चे बी आंसर करें, चलो ठीक है देख लेते हैं, थिरम सही है, ठीक है। तो थिरम इज नॉन सिस्टमिक फंजासाइट, जो किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज करा जाता है, क्रॉप डैमेज को, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके फसल होते हैं उनको क्षति से रोकने के लिए, या फिर इसके अलावा भंडारण में जो गिरावट आती है उसको बचाने के लिए क्या करा जाता है, थिरम का प्रयोग करा जाता है। लेकिन ये क्या नहीं है बेटा, ये सिस्टमिक फंजासाइट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा।
बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल। तो ये आपसे कह रहा है कि जीवाणु रोगों में रसायनों का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कैल्थेन, फंजासाइट, एंटीबायोटिक या फिर वेरिसाइट। तो बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जो जीवाणु रोग हैं, तो जीवाणु रोगों को रसायनों के उपयोग से नियंत्रित किया जाता है। कैसे? फंजासाइट को अप्लाई करके, कैल्थेन अप्लाई करके, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक या फिर वेरिसाइट। बताओ बेटा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे बी आंसर भी कर रहे हैं। ओके बताओ बेटा, आराम से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। सी भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है, शाबाश। बताओ बताओ बेटा क्या आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट। ओके सी ज्यादातर बच्चे आंसर करें, एंटीबायोटिक सही हुआ। देखो बेटा सिंपल सा इसमें आंसर बहुत सिंपल है, बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है, तो जीवाणुनाशक यूज करेंगे और जीवाणुनाशक क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। फंजासाइट आप किसके लिए यूज करोगे, फंगस के लिए यूज करोगे, ठीक है, यानी कि कवक के लिए उसका प्रयोग करोगे। चलो लोकल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन इज सीन इन, ये आपसे कह रहा है स्थानिक और प्रणालीगत दोनों संक्रमण किस में देखे जाते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर या फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अगेती झुलसा रोग, कॉफी में या फिर राइस ब्लास्ट में। बताओ बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट से बताओ बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और ओके बी ज्यादातर बच्चे आंसर। बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, लोकल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन पूछ रहा है, लोकल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन पूछ रहा है बेटा, लोकल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन पूछ रहा है। ए राइट आंसर होगा, ए ए राइट आंसर होगा। ये कह रहा है कि दोनों है, स्थानीय और प्रणालीगत संक्रमण दोनों देखे जाते हैं, दोनों देखे जाते हैं, स्थानिक और प्रणालीगत संक्रमण यानी कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन भी देखते हो और सिस्टमिक इन्फेक्शन भी देखते हो, तो ये बेटा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर भी देखते हो, ठीक है। डी होगा मैम, नहीं होगा बेटा, राइस ब्लास्ट नहीं होगा, कॉफी रस्ट भी नहीं होगा, लेट ब्लाइट भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये भी काफी हद तक इसको हम कभी कभी लोकलाइज में कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वायरस कंटेन यानी कि विषाणुओं में क्या पाया जाता है, आरएनए, डीएनए, डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए नेवर बोथ, यानी कि ये कह रहा है कि डीएनए पाया जाएगा, आरएनए होगा, या फिर दोनों होगा, आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ होंगे, या फिर आरएनए होगा और या फिर डीएनए होगा, या नेवर बोथ, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। बताओ बेटा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइए। मैम क्वेश्चन समझ नहीं पाए, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ पाए बेटा, ये आपसे ये पूछ रहा था कि एक होता है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो एक ही जगह पर होता है, एक होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन जो पूरे शरीर में होता है, तो वो वही पूछ रहा था आपसे कि ये लोकलाइज्ड और सिस्टमिक दोनों एक साथ किस में पाया जाएगा, तो वो क्रूसीफर्स में पाया जाता है, व्हाइट रस्ट में, ठीक है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। चलो डी ज्यादातर बच्चे आंसर करें, कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं, ए और डी, ए और डी, ओके चलो क्या होगा बेटा यहाँ पर राइट आंसर, ये आपसे कह रहा है कि वायरस कंटेन, वायरस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए, हाँ तो इधर आरएनए और डीएनए, ठीक है, या तो उसमें आरएनए होगा या तो उसमें डीएनए होगा, सिर्फ डीएनए भी नहीं, सिर्फ आरएनए भी नहीं होता, सिर्फ डीएनए भी नहीं होता है, बोथ आरएनए और डीएनए ये नहीं होता है, तो इधर आरएनए और डीएनए, ठीक है, इधर आरएनए और डीएनए, या तो फिर आरएनए होगा या तो फिर डीएनए होगा। तो बेटा वायरस में डीएनए भी पाया जाता है और वायरस में आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें बेटा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं बेटा, इन प्लांट्स बकलिंग, पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग सिम्टम आर प्रोड्यूस बाय, तो बेटा पौधों में बकरिंग, पकरिंग और ब्लिस्टरिंग यानी कि जो झुलस जाता है वो खराब हो जाता है, तो ऐसे ही जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे लक्षण किसके होते हैं बेटा, बैक्टीरिया के होंगे, फंजाई के होंगे, वायरस के होंगे या फिर माइकोप्लाज्मा के होंगे। सही उत्तर बताइए बेटा क्या होगा, डी ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं, हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, पौधों में अगर आपको इस टाइप के रोग, इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, पकरिंग वगैरह एक साथ, तो ये किसके सिम्टम्स होते हैं बताओ बच्चों, ध्यान से देख के बताना बेटा आंसर।
जल्दबाजी मत करना। ध्यान से देख के बताओ। सेवेंटी का डी, माइकोप्लाज्मा। चलो ठीक है, माइकोप्लाज्मा सही हो जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। हाँ बेटा, माइकोप्लाज्मा राइट हो जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में आपको ब्लिस्टिंग भी देखने को मिलती है, पकरिंग भी देखने को मिलती है और बकलिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती से वायरस आ गया, माइकोप्लाज्मा सही है। तो ये होते हैं बेटा तीनों इन्फेक्शंस जो जनरली आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं जो आपको माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। द फंजाई विच ट्रांसमिट वायरस बिलोंग्स टू द क्लासेस। तो बेटा ज्यादातर आपको इसमें जो देखने को मिलते हैं बेटा, तो इसमें बेसिकली जैसे अगर हम देखें कि बेसिडियोमाइसिटीज है, ऊमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, या फिर इसमें प्लास्मोडियोफोरोमाइसिटीज है, तो इसमें ऐसी कौन सी फंगल क्लास है जिसमें वायरस वायरस को ट्रांसमिट करने वाला लक्षण हो? बताओ बताओ बेटा, इसमें कौन सा वायरस को फैलाने वाला इनमें से कौन सा होगा, मतलब जो वायरस को ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट प्लांट वायरस बिलोंग्स टू द क्लास, जैसे वायरस जनरली इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं ना, तो ऐसे कुछ फंगस भी होते हैं जो इनको ट्रांसमिट करते हैं। डी पक्का? चलो बिल्कुल सही, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। जाइगो नहीं करेगा, ऊ नहीं करेगा, बेसिडियो नहीं करेगा, ये आएंगे बेटा प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ये ज्यादातर फैलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्लांट सॉरी पोटैटो वायरसेस आर स्प्रेड बाय, तो जो आलू के विषाणु होते हैं किसके द्वारा फैलते हैं? एफिड्स, जैसिट्स, निमेटोड और ट्यूबर मॉथ। बताओ बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोटैटो वायरस, यानी कि आलू के जितने भी वायरसेस हैं किसके द्वारा ज्यादातर ये फैलते हैं? बताओ बेटा पोटैटो वायरसेस किसके द्वारा फैलते हैं? डी, ज्यादातर बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। ठीक है भाई, प्रतिभा मैम आई हैं, आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हैं, आइए मैम। मतलब हमेशा ऐसे डेस्टिनी होती है या पता नहीं क्या होता है। अभी मैं अपनी पेड क्लास लेने जा रही थी और मैं फिर से वापस मुड़ी, मैंने क्वेश्चन देखा और मुझे ये एफिड्स, जैसिड्स इन सब ने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि आपको जो कीट विज्ञान है, एंटोमोलॉजी है, वो मैं करवाने वाली हूँ। और कल 1 बजे, दोपहर को 1 बजे आपका एंटोमोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग यानी कीट विज्ञान और पादप प्रजनन अनुवांशिकी की जो मैराथन क्लास है वो मैं लेकर आ रही हूँ। तो कल भी आपको 1 बजे जुड़ना है। बाकी आप पढ़ाई करो, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बाकी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कीट विज्ञान के ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे, तो आपको कल भी आना है। ठीक है, सो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बच्चे कह रहे हैं मैम ग्लैड टू सी यू। ओके ओके, तो भाई कल ये प्रतिभा मैम की मैराथन है, तो आप सभी को प्रतिभा मैम की मैराथन में भी आना है। ठीक है बेटा, चलो तो हाँ कंप्लीट एंटो करा दी, हाँ बिल्कुल करा देंगी मैम। ठीक है चलो, तो बेटा आलू के जो विषाणु है वो किसके द्वारा फैलते हैं? ज्यादातर एफिड्स के द्वारा। ठीक है, आलू के जो विषाणु है वो ज्यादातर एफिड्स के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेटा एफिड्स। ठीक है, एफिड्स हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस ट्रांसमिटेड बाय, ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं? व्हाइट फ्लाई, प्लांट हॉपर, लीफ हॉपर या फिर एफिड्स? इसका सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए बेटा इसका सही उत्तर। और यार तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो बेटा, फटाफट से शेयर भी कर दो यार क्लास को, है ना, फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दो बेटा। चलो अब ये बताइए कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस जो हैं वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? बताइए बेटा, बच्चे एफिड्स आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, एफिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफिड्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलो, एफिड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, तो ये एफिड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। बंची टॉप ऑफ बनाना, सॉरी बंची टॉप ऑफ पपाया, हमेशा बनाना में पढ़ते हैं ना, बंची टॉप ऑफ पपाया कॉज बाय एमेलोज, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा इसको फैलाने का काम करते हैं बेटा, तो ये कह रहा है कि इज स्प्रेड बाय, इसको सॉरी माइकोप्लाज्मा कॉज करते हैं फाइटोप्लाज्मा, तो ये कह रहा है कि इसको फैलाता कौन है? पपाया पपीते में पुष जो गुच्छा सीड्स होता है ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? निमेटोड्स, फंजाई या फिर व्हाइट फ्लाई या फिर लीफ हॉपर? सही उत्तर बताइए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, बताओ। बंची टॉप ऑफ बना एफिड्स, हां बिल्कुल एफिड्स है। अब यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा, देखो और ध्यान से बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा। पपाया में, पपीते में पूछ रहा है बेटा आपसे, पपीते में पूछ रहा है, बताओ। बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया,
हॉपर्स, लीफ हॉपर्स। कुछ बच्चे सी भी आंसर करें, कुछ बच्चे बी भी आंसर करें, कुछ बच्चे ए भी आंसर करें। चलो ठीक है, बताओ बेटा क्या राइट आंसर होगा। ज्यादातर बच्चे डी भी ज्यादातर बच्चे आंसर करें, तो बेटा लीफ हॉपर हो जाएगा। क्या होगा? लीफ हॉपर। ठीक है, तो इसको ज्यादातर बंची टॉप जो पपाया में होता है, जिसको माइकोप्लाज्मा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसको फाइटोप्लाज्मा ज्यादातर इसको करते हैं। ठीक है, तो इसको फैलाने का जो काम करते हैं बेटा, लीफ हॉपर करते हैं। कौन करेगा? लीफ हॉपर। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया, सी आंसर नहीं होगा, आकाश, यादव, प्रियंका, जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, मतलब आंसर सी नहीं होगा बेटा, डी होगा, लीफ हॉपर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, तो जो आलू में धुरी कंद रोग किसके द्वारा फैलता है? ये यांत्रिकी रूप से फैलता है, यानी कि मैकेनिकली, यांत्रिकी रूप से फैलता है यानी कि मैकेनिकली फैलता है, या फिर बायोलॉजिकली, जैविक रूप से, पानी से फैलता है, या फिर उपरोक्त सभी से फैलेगा। सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका। सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका। बताओ बेटा। बनाना में वायरस करता है बेटा, बनाना में वायरस करता है, बंची टॉप। अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ नहीं रहे थे बनाना का वायरस, बंची टॉप और बनाना का वायरस। बताइए बेटा, बताओ बेटा फटाफट। डी ज्यादातर बच्चे आंसर करें, ऑल ऑफ दी अबव, जैविक रूप से। अच्छा, ऑल ऑफ दी अबव। जीके का मैराथन हो जाएगा बेटा, आपको पता चल जाएगा। मैकेनिकली राइट आंसर होगा बेटा इसका, मैकेनिकली राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यांत्रिकी रूप से सबसे ज्यादा फैलता है। चलो आगे चलते हैं। अब है येलो मोज़ेक ऑफ लेग्यूम्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया, भारत में जो फलियों का, यानी कि जो ये लेग्यूम्स का जो रोग है बेसिकली येलो मोज़ेक, ये पहली बार भारत में कब बताया गया था, कब रिपोर्ट करा गया था, कहां पर किया गया था? सॉरी सॉरी, शिमला में, सोलन में, दिल्ली में, या फिर कानपुर में? बताओ बेटा कहां पर इसको रिपोर्ट किया गया था, बताओ बेटा फटाफट से। ऑल कहीं तो दिया था, ऑल, ऑल नहीं है बेटा इसमें, मैकेनिकली होगा, यांत्रिकी। ठीक है, चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ। येलो मोज़ेक ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में जो येलो मोज़ेक होगा, ये येलो मोज़ेक ऑफ लेग्यूम्स, ये पहली बार भारत में कहाँ पर देखा, कब बताया गया था, बताओ। डी इसका सही आंसर होगा, कानपुर में बताया गया था। अच्छा, कानपुर, सब कानपुर ही बता रहे हैं, कानपुर में नहीं था बेटा, दिल्ली में बताया गया था। ठीक है, दिल्ली में बताया गया था पहली बार। चलो आगे चलते हैं बेटा, तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ, काइटिन किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज से, क्रिसिन से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। बताओ बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट से बताओ मुझे। आपसे पूछ रहा है कि काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ, काइटिन किससे मिलकर के बना हुआ होता है, बताओ। अच्छा, बी तुक्का मारा था, बहुत अच्छी बात, तुक्का नहीं मारना है। चलो हाँ, दिल्ली में। ठीक है, चलो सी, कुछ बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, सी सी सी, कुछ बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं, बेटा डी वाले बच्चे सही हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो काइटिन किस में पाई जाती है? कवक में पाई जाती है। ठीक है, काइटिन बेटा कवक में पाई जाती है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, कवक में पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति है बेटा, वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति, जैसे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। तो ऐसे ही कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, और इसमें ये काइटिन किससे बनता है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। किससे? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। चलो आगे चलते हैं। डंपिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट आर वेरी इफेक्टिवली चेक्ड बाय, तो ये आपसे कह रहा है कि डंपिंग ऑफ का जो रोग है और लीफ ब्लाइट जो है, तो ये इनको बहुत प्रभावी ढंग से जांचा जाता है। कैसे कैसे इनको जांचा जाता है? बॉडी एक्स मिक्सचर से, बरगंडी से, थिरम से, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से? बताओ बेटा, बताओ बेटा कैसे इनको जांचा जाएगा। हाँ, डी भी कह रहे हैं, दो तीन कुछ बच्चे डी आंसर भी करें, कुछ बच्चे ए आंसर करें। ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाले बच्चे सही हैं, कॉपर
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वाले बच्चे सही हैं, जो बच्चे डी आंसर करें उनका आंसर सही है। एक बच्चे ने बहुत लंबा सी लिखा है, नहीं बेटा नहीं 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 डी राइट आंसर होगा, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सही होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं बेटा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सही है, चलो आगे चलते हैं। इन्फेक्टिव स्पोर इन द रस्ट लाइफ साइकिल, यानी कि रतुआ रोग की जो पूरा जीवन चक्र होता है उसमें संक्रामक बीजाणु कौन से होते हैं, यूरिडोस्पोर और एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर और टेलियोस्पोर, टेलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर और पिकनियोस्पोर और यूरिडोस्पोर। सही उत्तर बताइए बेटा इसमें क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा संक्रमित यानी कि संक्रमण करने वाले बीजाणु किसमें पाए जाते हैं बताइए बेटा, फटाफट से बताओ। बताओ बेटा कौन से इनमें सबसे ज्यादा संक्रामक बीजाणु हो जाएंगे बताओ, बी और सी। अच्छा कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं। बेटा मैं क्लास में जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना इतनी देर से, वो आंसर बिल्कुल सही करेंगे, वो आंसर गलत नहीं करेंगे। बताओ बेटा जो बच्चे क्लास में बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं वो आंसर गलत नहीं करेंगे, बी। नहीं बेटा बी नहीं होगा, एसियोस्पोर और यूरिडोस्पोर हो जाएगा, यूरिडोस्पोर और एसियोस्पोर हो जाएगा। ठीक है अब मेरी बात ध्यान से समझना मैंने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है यार 9 लाइक्स और बचे, 9 लाइक्स फटाफट से कर दो फिर हमारे 500 लाइक्स हो जाएंगे। ठीक है चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, रस्ट यानी कि रतुआ रोग में आप देखते हो सबसे पहले इसमें एसियोस्पोर बनता है, क्या बनता है बेटा एसियोस्पोर, यानी कि पहले एसियो बीजाणु बनते हैं। ठीक है बेटा हिंदी वाले बच्चे आप लोगों को भी ये ऐसे ही पढ़ना, आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है बेटा तो इसलिए ऐसे ही पढ़ लो उसको ध्यान से। एसियोस्पोर सबसे पहले बनते हैं बेटा, ये इन्फेक्ट करता है यानी कि संक्रमण करता है सबसे पहले, तो पौधे में जाके संक्रमण करने का काम यही करेगा, पौधे में सबसे पहले जाएगा और रोग करने का काम यही करेगा। समझ में आ गया बेटा। निशांत हिंदी में बेटा आपके पास एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है तो आप लोगों को ये ऑप्शंस ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है चलिए तो सबसे पहले एसियोस्पोर आएगा बेटा, ये सबसे पहले संक्रमित करेगा। ठीक है यानी कि इन्फेक्शन कर दिया, उसके बाद इसने बनाई यूरिडोस्पोर और ये सबसे ज्यादा भयंकर संक्रमण करेगा यानी कि ये पूरी फसल को बर्बाद करेगा। लेकिन इनमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले आकर के रोग करने का काम एसियोस्पोर करता है, लेकिन ये एसियोस्पोर जो है रोग को बहुत ज्यादा फैलाता नहीं है, रोग को सबसे ज्यादा फैलाने का काम यूरिडोस्पोर करते हैं बेटा। और यूरिडोस्पोर के बाद टेलियोस्पोर बनते हैं और टेलियोस्पोर को स्टेज बोलते हैं। कैसे बोल रहे हो आप लोग कि इन्फेक्टिंग है बेटा, वो रेस्टिंग स्टेज होता है, रेस्टिंग स्टेज मतलब रेस्ट करने वाला, अब वो सोएगा कुछ टाइम, अब वो आराम से रेस्ट करेगा यानी कि अब वो बहुत ज्यादा सोएगा। ठीक है अब वो होता है बेटा टेलियोस्पोर, टेलियोस्पोर को रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं और फिर उसके बाद पिकनियोस्पोर बनते हैं और फिर दोबारा एसियोस्पोर बनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है समझ गए, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, ब्लैक और सिल्वर स्कर्फ ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो आपसे पूछ रहा है कि काला स्कर्फ जो आलू में पाया जाता है वो किसके कारण होता है, स्केलरोशियम, राइजोक्टोनिया, राल्स्टोनिया या फिर फाइटोफोडोरा इन्फेस्टांस। सही उत्तर क्या होगा बेटा फटाफट से बताइए, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा देखो उसका आंसर है तो करेक्ट, ठीक है उसका आंसर करेक्ट है क्योंकि आपको कुछ और सोर्सेज भी एक बार देखो। ठीक है बाकी ये कि इसके क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी पहले आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में जीए का रहेगा बेटा, बिहार की जितनी भी आपकी मैराथन होंगी ना 8 दिन 8 मैराथन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। ठीक है समझ गए, चलो बी, ज्यादातर बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है मैम जीके का मैराथन कब चलेगा बेटा, आ जाएगा जल्दी जीके का मैराथन भी। डी, ज्यादातर बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर होगा इसका करेक्ट, डी आंसर करेक्ट होगा, चलो देखते हैं बेटा। तो ब्लैक स्कर्फ होगा राइजोक्टोनिया, ब्लैक स्कर्फ होगा बेटा राइजोक्टोनिया। ठीक है चलो हाँ राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया। जितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं बेटा, द साइंस विच डील्स विद द कॉज द प्लांट डिजीज एंड नेचर ऑफ कॉजल एजेंट, ये आपसे पूछ रहा है कि वह विज्ञान जो पादप रोगों के कारण और कारक की एक प्रकृति से संबंधित है, यानी कि कारक क्या होगा और कारक की प्रकृति क्या है, इसके बारे में कौन बताएगा, तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बताएगा, एटियोलॉजी बताएगा, एटियोलॉजी बताएगा रोग हेतु विज्ञान या फिर दोनों बताएगा, बी और सी दोनों बताएगा। सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट बता दो बच्चों। मैम बफरिंग हो रही है, यार बफरिंग तो नहीं हो रही अभी, तो यहाँ पे तो क्लियर चल रहा है कैमरा भी, बाकी बच्चों को भी बफरिंग हो रही है क्या बेटा, एक बार अपनी तो रिफ्रेश करके रिज्वाइन कर लो। ठीक है तो उसमें भी आपके पास सही से आ जाएगा, चलो बताओ बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाबाश।
एन एसिटाइल ग्लूकोसम, ओके ओके ओके। तो बेटा यहाँ पर जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर सही है, डी सही है बेटा, डी सही है। एटियोलॉजी, ये भी रोग है तो विज्ञान की बात करता है, ठीक है। और इसके अलावा इटियोलॉजी, इटियोलॉजी जो है बेटा ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अ सेक्सुअल थिक वॉल्ड एंड रस्टिंग स्पोर ऑफ रस्ट फंजाई इज नोन एज। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि रतुआ रोग में मोटी दीवारों वाले आराम करने वाले बीजाणुओं को किस रूप में जाना जाता है, बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर या एसियोस्पोर। सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऐसे बीजाणु जो ज्यादातर मोटी दीवारों वाले होते हैं और आराम करने वाले, सोने वाले होते हैं, तो ऐसा कौन सा होगा बेटा, बताओ ऐसे कौन से बीजाणुओं के लिए बोला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल आंख बंद करके आ जाना चाहिए, है ना। चलो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो पूरी क्लास को तो आंख बंद करके आप तुरंत आंसर करोगे। सी कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, टेलियोस्पोर, और कुछ बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी और बी, सी और बी। चलो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी बताया भी था नलायकों तुम लोगों को मैंने, मैंने बोला नहीं था अभी कि रेस्टिंग स्पोर होते हैं, रेस्टिंग स्पोर होते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग स्पोर बेटा सोने वाले, आराम करने वाले, अभी बताया था। तो क्या हो जाएगा बेटा, टेलियोस्पोर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेलियोस्पोर सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हु डिस्कवर द डाउनी मिड्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार डाउनी मिड्यू यानी कि जो ये मृदुवास्था रोग होता है, तो इसकी खोज पहली बार किसने करी थी, ईजे बटलर ने करी थी, जेफ दस्तूर ने करी थी, या फिर बीबी उनकर या के आर कृतिकर ने करी थी। बताओ बेटा किसने करी थी, बताओ बेटा किसने करी थी। हाँ, रेस्टिंग स्टेज स्पोर जो है बेटा टेलियोस्पोर को बोलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब ये बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो बेटा। मैम स्क्रीन बफरिंग कर रहा है, बेटा स्क्रीन बफरिंग नहीं हो रहा, आप रिफ्रेश करके रिज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, रिफ्रेश करके रिज्वाइन कर लो एक बार। कुछ बच्चे बी आंसर करें, कुछ बच्चे सी आंसर करें, बी बी मुनकर, नहीं बेटा बी बी मुनकर नहीं होगा, ईजे बटलर ही होगा, ठीक है। तो मिड्यू के बारे में, डाउनी मिड्यू और पाउडरी मिड्यू, इसके बारे में ईजे बटलर ने ही बताया था, ठीक है, ईजे बटलर ने ही बताया था इसके बारे में। बी बी मुनकर ने क्या बताया था, बी बी मुनकर ने बेटा ये रेजिस्टेंट वेराइटी बताई थी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता जो जिनके अंदर होती है, तो ऐसी वेराइटीज को इन्होंने बताया था, ठीक है बेटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड फंजाई। आपको ये बताना है एकल कोशिका वाला कवक कौन सा है। बफरिंग हो रहा है क्या, एक मिनट रुको, चलो मैं टेक्निकल टीम को बुला लेती हूँ, तब तक आप लोग क्लास अटेंड करते रहो, ठीक है। चलो बताओ बेटा। यस मैम, मैं अभी रिजॉइन की, मेरा ठीक हो गया। हाँ रिजॉइन कर लो, जिनको प्रॉब्लम आ रही है बेटा रिजॉइन करके ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो कभी कभी होता है ना, कंटिन्यूअसली हम क्लास देख रहे हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। बॉडीएक्स मिक्सचर, बॉडीएक्स मिक्सचर किसका आंसर कर रहे हो बेटा। अच्छा ग्रेप्स में बॉडीएक्स मिक्सचर, अच्छा डाउनी मिडियो ग्रेप्स की बात कर रहे हो, ओके। यीस्ट, बिल्कुल सही बेटा, यीस्ट हमारा ऐसा, यानी कि खमीर हमारा ऐसा कवक होता है जो एक कोशिकीय होता है, यानी कि एकल कोशिका वाला होता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला है टमाटो लीफ कर्ल वायरस डिजीजेस मैनेज बाय यूजिंग। तो कैसे उसको, बच्चों बफरिंग हो रहा है, देखो कुछ बच्चे उसमें मेंशन भी कर रहे हैं ना, बफरिंग कुछ बोल रहा नहीं, बोल रहा कोई बेटा, अभी भी बफरिंग हो रहा है बताओ, अभी भी बफरिंग हो रहा है बेटा बताओ, कुछ कह रहे नहीं हो रहा, कुछ कह रहे हो रहा, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे नहीं हो रहा। चलो वो मैंने कह दिया उनको कि रिफ्रेश करके जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो ओके ओके ओके। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोमेटो लीफ कर्ल को आप कैसे मैनेज करोगे। तो टोमेटो लीफ कर्ल के लिए बेटा हम सारे यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, बाकी ये हम फसलों को भी यूज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ग्रेसी शूट ऑफ सुगर केन इज ट्रांसमिटेड बाय। आपसे पूछ रहा है कि गन्ने का जो ये रोग होता है, इसको फैलाने का काम कौन करता है बेटा, लीफ ऑपर, व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स करेंगे या फिर कौन करेगा। सही उत्तर बताइए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रोग को फैलाने का काम कौन करेगा बताइए बेटा।
इस रोग को फैलाने का काम कौन करेगा ज्यादातर, बताइए बेटा। कुछ बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं। ओके बताओ बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम से बताओ, कोई बात नहीं, आराम से बताओ। टमाटो लीफ कर्ल, टमाटो लीफ कर्ल को, हाँ ठीक है ठीक है, डी राइट आंसर है उसका बेटा। अब इसका बताओ मुझे। ओके, तो ग्रेसी शूट ऑफ सुगर केन। डी, ओके, तो ज्यादातर बच्चे डी आंसर करें, एफिड्स। चलो आंसर देखते हैं बेटा इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एफिड्स, एफिड्स, एफिड्स। हाँ बेटा, एफिड्स राइट आंसर है, इसमें लीफ ऑपर आ गया गलती से, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका एफिड्स। ठीक है बेटा, एफिड्स राइट आंसर है। चलो ओके ओके, एफिड्स सही है। चलो आगे चलते हैं। स्मॉल स्मॉल ग्रोथ आउट फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। अगर कोई छोटी सी ग्रोथ आपको दिखाई देती है लीफ के लोअर सरफेस से, तो वो कैसी होती है बेटा, उसको क्या बोला जाता है? इनेशन बोला जाता है, या फिर उसको ट्यूमर बोला जाता है, उसको बोथ बोला जाता है, या फिर उसको मतलब ए एंड बी दोनों, ट्यूमर और बोथ, ट्यूमर और इनेशन, या फिर इन नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा बेटा, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए, क्या कहा जाता है इसको? अगर इस प्रकार से आपको लीफ के नीचे की तरफ ग्रोथ दिखाई देगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ए। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर करें, क्या होगा बेटा बताओ? बोथ, ठीक है, करिश्मा कह रही है बोथ राइट आंसर होगा, सी और बोथ। ओके, बोथ होगा, ट्यूमर भी कहेंगे और इनेशन भी कहेंगे। ओके ठीक है, इनेशन और ट्यूमर दोनों, ठीक है, इनेशन और ट्यूमर दोनों। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके, तो बेटा इसका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो लीफ के नीचे की तरफ बेटा हम उसको ज्यादातर इनेशन बोलते हैं। ठीक है, लीफ के नीचे की तरफ आप अगर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उसको हम इनेशन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्म में जैसे गॉल हो जा गॉल फॉर्मेशन हो जाता है कभी कभी, तो उसको ट्यूमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों टर्म हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बोथ एंड बी। जैसे कहीं पर भी अगर ओवर ग्रोथ आ जाती है, तो उसमें दोनों कंडीशन में हम उसको इनेशन भी बोलते हैं और ट्यूमर भी बोलते हैं, तो दोनों हम उसके यूज कर सकते हैं। चलो, तो इस तरीके से आपको जो ग्रोथ दिखाई देती है लीफ के नीचे की तरफ ओवर ग्रोथ, तो इसको ट्यूमर भी बोला जाता है और इसको इनेशन भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आइसोमेट्रिक वायरस इज, तो इनमें डबल स्टैंडर्ड और आइसोमेट्रिक वायरस कौन सा हो जाएगा बताओ बेटा? अच्छा मैम, मैं मधुरिमा ही हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, देख लिया मैंने आपका कमेंट। ओके चलो, अब ये बताओ बेटा कि इन दोनों इन इन में से डबल स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक वायरस कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आइसोमेट्रिक कौन सा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पूछ रहा है बेटा, डबल स्टैंडर्ड, देखो ध्यान से देखो। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ओके ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। कुछ बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा क्योलीफ्लावर मोजैक वायरस। देखो आपसे पूछ रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जनरली आप लोग आरएनए ज़्यादातर देखते हो, लेकिन कुछ प्लांट वायरसेस ऐसे होते हैं बेटा जिनमें डीएनए भी पाया जाता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है क्योलीफ्लावर मोजैक में, तो ध्यान रखो बेटा इसमें। हाँ क्योलीफ्लावर बिल्कुल सही है बेटा, क्योलीफ्लावर बिल्कुल सही है। चलो आगे चलो। प्लांट वायरसेस मूव फ्रॉम द सेल टू सेल थ्रू, तो एक कोई भी प्लांट वायरस है वो सेल टू सेल कैसे मूव करता है? नहीं बेटा बी नहीं होगा, ए होगा। चलो, कोई भी प्लांट वायरस है वो सेल टू सेल कैसे मूव करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव करता है वो बताओ। मैम मेरा नाम भी ले लो, आशुतोष यादव। हाँ बेटा ले लिया ले लिया, आपका नाम भी ले लिया। ठीक है चलो, अभी पहले मुझे ये बताओ कि एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी प्लांट वायरस कैसे मूव करता है बताओ। हाँ अभी मैंने आराम से टाइम दे रही हूँ तुम लोग को, अब तो आराम से ध्यान से सोच के करो आंसर। डी डी, प्लाज्मा डेस्माटा है। चलो सही है, प्लाज्मा डेस्माटा, हाँ प्लाज्मा डेस्माटा सही है। चलो ओके,
अब आगे चलते हैं बेटा अगले में. इन 1845 द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वाज कॉज्ड बाय. तो ये कह रहा है कि आलू में पछेती झुलसा रोग जो था जिसके कारण पूरे आयरलैंड में फेमाइन आया था, ये रोग किसके द्वारा हुआ है बताओ बेटा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज्यादा जगह पूछा भी गया है. चलो बताओ बेटा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा. मैम मेरा नाम भी अरे अगर तुम लोग सही आंसर लोगे अब बेटा मैराथन में इतने सारे बच्चे हैं मैं किसका नाम लूँ बताओ. हैं सारे बच्चे ही आंसर कर रहे हैं तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ. डी डी राइट आंसर होगा. राल स्टोनिया. अच्छा जी ओके. और कोई बच्चा बताएगा बेटा. ए ए ए बहुत सारे बच्चे ए आंसर करें उनका आंसर सही है. फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस. ठीक है तो बेटा फाइटोफथोरा जो है ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर पछेती झुलसा रोग करता है. और अगर अगेती झुलसा रोग आपसे पूछा जाए, अगेती झुलसा रोग यानी कि अर्ली ब्लाइट अगर आपसे पूछा जाए तो वो करता है बेटा अल्टरनेरिया सोलेनाई. कौन करेगा बेटा? अल्टरनेरिया सोलेनाई. चाहे आलू में हो चाहे वो किस में हो, टमाटर में हो. ठीक है चलो आगे चलते हैं बेटा. इन बंगाल 1943 हैज फेस्ड अ सीरियस फेमाइन व्हिच इज कॉज अ ग्रेट लॉस इन राइस यील्ड कॉज बाय. तो बंगाल में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आया था बेटा 1943 में. और उस 1943 में आया हुआ जो दुर्भिक्ष था वो उसमें चावल की जो फसल थी वो पूरे तरीके से खराब हो गई थी. आपने उसमें भूरे धब्बे वाले रोग का नाम सुना होगा. तो ये जो भूरे धब्बे वाला रोग था ये किसके द्वारा हुआ था बताइए बेटा. सही उत्तर क्या होगा बताओ बेटा. देखो अलग अलग में कुछ में लीफ, गूगल में अगर सर्च करोगे तो लीफ ऑपर आएगा. ठीक है गूगल में अगर सर्च करोगे तो उसमें लीफ ऑपर आएगा. ठीक है चलो इसमें हेल्मिंथोस्पोरियम है. हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी करेगा या फिर पायरिकुलेरिया करेगा, कलेक्टोराइकम करेगा या फिर फ्यूजेरियम वुडम करेगा बताओ बेटा. चलो बताओ. ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी. हाँ बेटा ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी है लेकिन कौन सा होगा. मैम हिंदी में बेटा, हिंदी में बता तो रही हूँ. एक दो क्वेश्चन शायद ऐसे आ गए हैं बाकी हिंदी में, इसीलिए मैंने सारा क्वेश्चन बताया है जो आप सुन रहे हो. ए हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी. तो बेटा हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी होगा और इसकी वजह से बंगाल में फेमाइन आता, जिसको आप क्या बोलते हो, भूरा धब्बा रोग भी बोलते हो. भूरा धब्बा रोग. ठीक है इसीलिए मैंने पूरा हिंदी में बोला था ताकि हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएं. ठीक है तो बंगाल में इतना बड़ा जो फेमाइन आया था वो भूरे धब्बे वाले रोग का, वो किसके द्वारा आया था? हेल्मिंथोस्पोरम ओराइजी के द्वारा. ठीक है चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर. हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. पादप रोग विज्ञान के जनक कौन से हैं? टीजे बरिल होंगे, निधम होंगे, एंटोनी बेरी होंगे या फिर ईजे बटलर होंगे. सही उत्तर बताइए बेटा क्या होगा यहाँ पर. सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर. एंटोन डी बेरी. अमीरों की बीमारी. अच्छा नहीं बेटा, अमीरों की बीमारी इसको नहीं बोलते हैं. अमीरों की बीमारी जो आप बोल रहे हो वो बोलते हैं ब्लास्ट को. ठीक है ये नहीं है वो. चलो बताओ. सी, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. बिल्कुल सही. लेकिन जो बच्चे डी आंसर कर रहे हैं बेटा उनका आंसर गलत है. डी वाले बच्चे गलत कह रहे हैं. ठीक है क्योंकि बेटा इंडिया में आपसे नहीं पूछा गया था. अगर आपसे पूछा जाता भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है या भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन से हैं, तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं ईजे बटलर. लेकिन विश्व में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटोन डी बेरी. कौन है बेटा? एंटोन डी बेरी हैं. ठीक है चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा. अगला प्रश्न है हमारा हु इज, एक मिनट, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में आए नहीं हम लोग. ओके अ बैक्टीरिया विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी इज कैटेगराइज इन. जिस जीवाणु की पूरे शरीर में कशाभिकाएं पाई जाती हैं या अत्यधिक कशाभिकाएं पाई जाती हैं उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? ए ट्राइकस में, एम्फीट्राइकस में, लोफोट्राइकस में या फिर पेरीट्राइकस में. तो किस श्रेणी में इसको रखा जाएगा बताइए बेटा. किस श्रेणी में इसको रखा जाएगा जिसमें अत्यधिक कशाभिकाएं पाई जाती हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है बताओ. राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी ए. ठीक है बी. ओके डी. ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. बताओ बताओ क्या होगा. डी. कुछ बच्चे डी भी आंसर करें, कुछ बच्चे ई भी आंसर करें, कुछ बच्चे सी भी आंसर करें. सी डी बी. बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेरीट्राइकस. डी होगा पेरीट्राइकस. वो कह रहा है कि पूरे शरीर में बड़ी संख्या में कशाभिकाएं होती हैं. तो देखो बेटा
ये कशाभिकाएं जो होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कशाभिका पाई जाती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो मोनो, कभी कभी कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है, जिसको आप बोलते हो एट्राइकस, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह से बहुत सारी निकलती हैं, इसको क्या बोला जाता है बेटा, लोफो, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जगह से कशाभिकाएं निकलती हैं, ठीक है, एक कशाभिका यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, एम्फी, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे शरीर से कशाभिकाएं निकलती हैं, तो इसे कहा जाता है बेटा पेरी। तो जो वो कह रहा है कि बड़ी संख्या में, बड़ी भारी संख्या में अगर अब कशाभिकाएं पाई जाती हैं तो उसको पेरीट्राइकस बोला जाता है बेटा, ठीक है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा तो आप बिहार बीओ की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है, वहां पर भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। जेसी लूथरा और उनके एसोसिएट्स ने एक 16 ही ट्रीटमेंट डेवलप किया था वीट सीड के लिए, वो किसका कंट्रोल था बताइए बेटा, ब्लैक रस्ट का था, लूज स्मट का था, सीड गॉल का था, ब्राउन रस्ट का था। तो आप लोगों ने जेसी लूथरा के एक ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो जो वो जेसी लूथरा का ट्रीटमेंट था, वो जेसी लूथरा का ट्रीटमेंट किसके लिए था बेटा, कौन से बीजों के लिए था बताइए बेटा, सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। चलो बताओ बेटा यहां पर सही उत्तर क्या होगा बताओ रुपेश, बेटा आप एक बार देख के आइए फिर उसके बाद बोलिए क्लास में, ठीक है। चलो ओके बताओ बेटा, इरविनिया, इरविनिया सीड गॉल, इरविनिया बी, कुछ बच्चे बी बता रहे, आवाज कट रही है बेटा, एक बार रिफ्रेश करके रिज्वाइन कर लो, बी बी बी, ज्यादातर बच्चे बी आंसर करें। लूज स्मट बिल्कुल सही है बेटा, लूज स्मट, ठीक है, लूज स्मट जो कंडुआ रोग होता है, कंडुआ रोग जो आप लोग पढ़ते हो ना, कंडुआ रोग जिसको स्टिलागो कॉज करता है, कौन करता है बेटा, स्टिलागो करता है इसको, ठीक है, स्टिलागो करता है जिस रोग को, तो ये कंडुआ रोग जो होता है बेटा, इसमें जेसी लूथरा ने ट्रीटमेंट किया था, सोलर ही, जिसको आप सोलर ही ट्रीटमेंट भी बोलते हो, ये जो जेसी लूथरा ने दिया था। तो ज्यादातर बच्चे बी आंसर करें, बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सिट्रस कैंकर बेटा, सिट्रस नींबू हर रोग में ही लगभग पाया जाता है, तो बेटा सिट्रस कैंकर ये मतलब हर एग्जाम में आप इसका इन्फेक्शन देखोगे, तो सिट्रस कैंकर जो है बेटा चाइना से आया था, और ये किस पैथोजन के थ्रू यानी कि किस कारक के द्वारा हुआ था बताओ बेटा, तो इसमें ज़ैंथोमोनास होगा या फिर एल्बुगो होगा, इरविनिया होगा या फिर क्लेविसेप्स होगा, बताओ बेटा सही उत्तर क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर। सिट्रस कैंकर का जो इन्फेक्शन है वो चाइना से आया था, लेकिन इस इन्फेक्शन को कॉज किसने किया बताओ, ज़ैंथोमोनास ने किया या फिर इसको एल्बुगो ने किया, इरविनिया ने किया या फिर क्लेविसेप्स ने किया। एलेक्जेंडर बेटा ये पढ़ने वाले बच्चों की क्लास है, बाकी फालतू बच्चों की क्लास नहीं है, आप जा सकते हो क्लास से, ठीक है, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, ओके। चलो ए पेपर कब तक होगा बेटा, आप एग्जाम आप पढ़ने आए हो मैराथन में, एग्जाम 1 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ज़ैंथोमोनास, चलो बिल्कुल बेटा ये जीवाणुजनित रोग है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉज बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई करेगा इसको। सेलेक्ट दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, बेटा अभी अभी ये किसी एग्जाम में भी पूछा है, मुझे ध्यान नहीं है उस एग्जाम का नाम, तो बेटा ये आपके पास सेलेक्ट द ऑर्डर के लिए बोला है, एक एक करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना, हिंदी वाले बच्चे भी से सुनना, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, इनवेजन, कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन, तो इसमें आपको ये बताना है कि कोई भी पैथोजन, ध्यान से सुनो पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर बताना, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बता रही हूँ, कि कोई भी पैथोजन जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो किस तरीके से अपना पूरा स्ट्रैटेजी जो होती है वो कैसे प्लान करता है, यानी कि कोई रोगजनक कारक अगर शरीर में आता है तो वो रोगजनक कारक जो है वो किस प्रकार से शरीर में आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो बेटा सबसे पहले है इनक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जब कोई भी रोगजनक कारक आ करके अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलो इन्वेजन, इन्वेजन मतलब हमला करना, कोई भी कारक हमला करता है यानी कि अटैक करता है। कॉलोनाइजेशन, वो अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करता है, ठीक है, आसपास में, या फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा यानी कि पूरा रोग कर देगा, ठीक है। दूसरा है इन्वेजन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन, इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड और इन्वेजन, और इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्वेजन और कॉलोनाइजेशन। तो आपको इसमें सही सिक्वेंस चूज करना है कि सही सिक्वेंस क्या होगा, कोई भी कारक जब शरीर में आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा,
कैसे वो धीरे 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 करके इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये आपको बताना है। तो इन चारों के मतलब मैंने आपको बता दिया। इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है बेटा, वो टाइम पीरियड होता है जो कोई भी पैथोजन लेता है, जब वो बॉडी में आ जाता है तो उसके बाद वो इन्फेक्शन को अपने नंबर को बढ़ाने में, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। इन्वेजन हमला करता है वो, कॉलोनाइजेशन अपनी पूरी कॉलोनी बनाएगा और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो बताओ ये बेटा इसमें सही सिक्वेंस क्या हो जाएगा, बताओ बेटा। बी और कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं। अब बेटा चारों के पॉइंट समझ में आ गए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बच्चों को, तो बेटा अब ध्यान से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। ए कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं, बताओ। डी, ओके डी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, बी, ओके चलो देखते हैं बेटा। तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर पता है क्या हो जाएगा, बी वाला। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल समझे हैं, ठीक है, सही समझे हैं, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पर बेसिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी में वो कह रहा है सबसे पहले इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है कि वो अटैक करेगा, भाई जब तक कोई हमला नहीं करेगा वो शरीर में कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन, उसके शरीर में आने के बाद वो एक समय लेगा, उस समय में क्या करेगा वो उसके शरीर के हिसाब से, जिस शरीर में वो गया उस शरीर के हिसाब से अपने आप को भी क्या करेगा, बदलेगा, ठीक है, अपने आप को भी धीरे धीरे बदलेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा बेटा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, अपने ही संख्या को बढ़ाएगा। जब अपनी संख्या को उसने बढ़ा दिया तो धीरे 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 अब क्या करेगा बेटा, वो धीरे धीरे अब वो इन्फेक्शन को बढ़ा देगा, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी, तब इन्फेक्शन होगा। तो सबसे पहले वो हमला करेगा, हमला करने के बाद वो शरीर के अंदर आएगा, कुछ समय लेगा, उसके बाद वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा और फिर उसके बाद वो इन्फेक्शन करेगा, यानी कि संक्रमण करेगा, ठीक है बेटा, समझ के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द पीएच 5.2 इज कॉज्ड बाय द पैथोजन। तो ये आपसे कह रहा है कि आलू की सामान्यतः पपड़ी रोग जो होता है स्कैब, ये रोगजनक कारक के द्वारा होता है जो पीएच 5.2 से कम करने पर नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप 5.2 से पीएच को कम कर देते हो तो उससे इसको कई काफी हद तक सही करा जा सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीच हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिस या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्लेवियस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, बताइए। ब्लॉक्ड है बेटा, ब्लॉक्ड है। चलो आप लोग टेंशन मत लो, चलो यहाँ पर आंसर करो बेटा क्या होगा। चलो बताओ बेटा, ए आंसर करेक्ट होगा, शाबाश, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर। अब यहाँ पर आपको गलत का चयन करना है, देख लो एक बार ढंग से, ठीक है। चलो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन इसको ज़ैंथोमोनास माल्वेसेरियम करता है या कैम्पेस्ट्रिस करता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ये चावल का रोग है जिसको ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी करता है। रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन, इसको शुडो रुबलेंस करता है या फिर इर्गॉट ऑफ बाजरा को इर्विनिया क्रोटोरा करता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से गलत सीक्वेंस कौन सा है, मतलब कौन सी बीमारी किसके द्वारा नहीं होती है। चलो बताओ बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल सही, कॉर्की स्कैब भी बोलते हैं, कॉमन स्कैब भी बोलते हैं और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस करता है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें गलत चयन कौन सा, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब इसमें ये बताओ कि इसमें गलत आंसर, गलत कौन सा चूज हुआ है, बताओ बेटा। सी 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 सी, पक्का सी होगा बेटा, एक बार ढंग से देख लो, एक बार ढंग से देख लो बच्चे, ध्यान से देख लो एक बार। ब्लैक आर्म कॉज बाई ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस, ओके बेटा, माल्वेसेरियम भी है, ओके ज़ैंथोमोनास माल्वेसेरियम भी है, सी ऑप्शन करेक्ट है, पक्का बेटा। एक बार आप ऑप्शन नंबर डी भी देख लो, इर्गॉट ऑफ बाजरा, क्या उसको इर्विनिया करता है, इर्गॉट डिसीज को, इर्गॉट ऑफ बाजरा को क्या इर्विनिया कॉज करता है, ध्यान से देख लो। अब डी आंसर आना शुरू कर रहा है ना, अब डी आंसर आना, इर्गॉट ऑफ, इर्गॉट कौन करेगा, क्लेविसेप्स करता है, नहीं करता है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, हाँ। तो बेटा सी ऑप्शन देखा कि रेड स्ट्राइप कम पड़ा है तो उसको आंसर करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है बेटा, ध्यान से पहले पूरे ऑप्शन देखो, इर्गॉट ऑफ बाजरा क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है।
क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस क्या करेगा बेटा, ये इरगोटा बाजरा करेगा। ये तो फंस गए, अब यहीं तो नहीं फंसना है बेटा, यहीं ध्यान देना है। सेलेक्ट द डिजीज कॉज बाय द माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये बताना है कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है ब्रिंजल लिटिल लीफ यानी कि बैंगन का छोटा पत्ता वाला रोग, राइस येलो ड्वार्फ चावल का पीला बौना रोग, शुगर केन ग्रासी सूट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा बेटा बताओ। हाँ ओके ओके ओके, चलो अब हो गया बेटा, वो क्वेश्चन हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, फटाफट बता दो बेटा। मैं तो पहले ही डी दिया था, अरुण यादव कह रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पर बताओ बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या होगा बेटा यहाँ पर। डी बच्चे कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही बेटा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है। ठीक है बेटा, ग्रेसी सूट बेटा ये भी फाइटोप्लाज्मल इन्फेक्शन है। ठीक है, चलो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टुंडू डिजीज, टुंडू इसको आप येलो ईयर रॉट भी बोलते हो। इट इज कॉज बाय क्लेविबैक्टर ज़ाइली, लेकिन ये किसी और के साथ भी एसोसिएटेड होता है। हिटरोडेरा एविनी के साथ होगा, या फिर एंगुना ट्रिटिकाई, या फिर मेलाडोगाइनी, या फिर प्रेटिलेंचस। अब आपको ये बताना है, ये निमेटोड से ये क्वेश्चन है बेटा। अब ये बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। ब्रिंजल में तो हाँ बेटा, ब्रिंजल में लीफ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जनरली हिसीमोनस करता है, बिल्कुल करता है ब्रिंजल लिटिल लीफ। आपसे पूछ रहा था कि कॉज, ये फैलाता है बेटा, ये वेक्टर है ब्रिंजल का। ठीक है, ये ब्रिंजल का वेक्टर है, उसको करने का काम माइक फाइटोप्लाज्मा करता है। ठीक है, फाइटोप्लाज्मल इन्फेक्शन है, ये फैलाता है, वेक्टर है ये। ठीक है, ये कारक नहीं है यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। बी ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं, बी होगा एंगुना ट्रिटिकाई, चलो मान लेते हैं आपकी बात, बी राइट आंसर है। ठीक है, हिटरोडेरा एविनी क्या करता है बेटा, ये मोलिया रोग को करता है, मोलिया रोग। ठीक है, जिसको आप मोलिया डिजीज बोलते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निमेटोड से था, हिटरोडेरा एविनी मोलिया करता है बेटा। चलो आगे चलते हैं, ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो स्पेशली कन्फाइंड टू द दार्जिलिंग हिल्स इज कॉज बाई द पैथोजन। तो आलू का जो काला मस्सा रोग है ये विशेष रूप से दार्जिलिंग की पहाड़ियों में हुआ था, तो इसका कारक क्या है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम होगा, या फिर प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका, या फिर स्केलरोस्पोरा, या फिर प्लाज्मोपारा विटिकोला। तो सही उत्तर इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा तुक्का मारा, अब पिटाई होगी तुम्हारी अनुराग, बिल्कुल ठीक है, इस तुम नालायक ने इस क्वेश्चन में भी तुक्का मारा है तुमने। चलो बताओ बेटा, फटाफट से बताओ बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून बिंद्रेश, वेलकम इन द सेशन बेटा। कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं। ओके, ए और बी, बी और डी, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, ए राइट आंसर हो जाएगा, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिका। मगर ये क्या है बेटा, एक कवक है। क्या है बेटा, ये एक प्रकार का कवक है जिसको हम कहते हैं सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, और यार तुम लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, ऐसा क्यों, फटाफट से सेशन को लाइक भी कर लो बेटा। तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम यहाँ पर इस रोग को करेगा, काला मस्सा रोग, और इसको बेटा एंडेमिक इन्फेक्शन भी बोला जाता है। एंडेमिक यानी कि स्थानिक रोग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ दार्जिलिंग में ही हुआ था, इससे बाहर नहीं हुआ था। दार्जिलिंग में जितनी भी फसल थी वो सारी फसल को इसने बर्बाद कर दिया था, लेकिन इसी कारण क्या हुआ था बेटा, दार्जिलिंग से बाहर आलू को ट्रांसफर नहीं करा गया था। ठीक है, दार्जिलिंग से बाहर आलू को ट्रांसफर नहीं करा गया था, ये कहा गया कि आलू को इसी जगह पर रखा जाएगा, इसके बाहर इस आलू को ट्रांसफर नहीं करा जाएगा। जो वो कहते हैं ना कि क्वारंटाइन कर लिया, तो वो कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका ये किसका है बेटा, क्लब रूट, और प्लाज्मो पारा विटिकोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है जो डाउनी मिडियू का है बेटा, अंगूर में। ठीक है, डाउनी मिडियू का है, तो ये रोग जो है बेटा प्लाज्मो पारा विटिकोला का, डाउनी मिडियू का जो अंगूर में होने वाला रोग है, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, एपिडेमिक, यानी कि इसे महामारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे महामारी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, महामारी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरे हाँ, बिहार बीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप सभी के लिए कुछ तीन बहुत बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। ठीक है, और ये तीन बड़े सरप्राइज क्या हैं, एक्चुअली ये अभी तक मुझे भी नहीं पता है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज क्या आ रहे हैं। बस मुझे बताया गया कि मैम बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज है, तो आप बच्चों को बता दीजिएगा क्लास में। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों का सरप्राइज जो है कब मिलेगा भैया, आपको इसमें लिखा हुआ है लाइव मिलेगा 23 फरवरी को, यानी कि 23 फरवरी को आपके एग्जाम से कई पहले यानी कि कल मिल जाएगा, और 5 बजे मिलेगा। तो बेटा इसमें आप सभी को जुड़ना है। ठीक है,
ओके, तो ये है आप लोगों का सरप्राइज, ठीक है। चलो, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं। व्हाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसिफर इज कॉज बाय द पैथोजन। तो ये जो व्हाइट ब्लिस्टर यानी कि सफेद फफोले वाला रोग किसके द्वारा होता है? पिथियम डेब्रियानम, एल्बुगो कैंडिडा, स्केलरोस्पोरा सॉर्गई और प्लाज्मोपारा विटिकोला। तो बेटा इसका कारक क्या है? फ्रांस में हुआ था, जिसमें फ्रांस में वाइन प्रोडक्शन कम हो गई थी, कम नहीं हो गई थी बेटा, बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी। वाइन प्रोडक्शन उस टाइम पे हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन पेपर होगा शायद, क्वेश्चन पेपर होगा। अच्छा यार, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को बता देती हूँ ना, इसलिए मैम सब बता रहे हैं। यार सच में नहीं पता, अगर मुझे पता होता ना तो मैं बता देती हूँ गलती से, पर आज तुम लोग कितना भी पूछो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो मैं नहीं बता सकती। बी ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं। ओके, एल्बो को कैंडिडा, बिल्कुल सही बेटा। और इसी को क्या हम कहते हैं? सफ़ेद रतुआ। क्या बोलते हैं बेटा? सफ़ेद रतुआ रोग भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और प्लाज्मोपारा विटिकोला, ये डाउनी वीडियो का है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। परफेक्ट स्टेज ऑफ कलेक्टोट्राइकम फलकेटम, यानी कि इसकी जो परफेक्ट स्टेज होगी वो कौन सी होगी? ये गन्ने में लाल सड़न रोग भी करता है, कलेक्टोट्राइकम फलकेटम। तो इसकी परफेक्ट स्टेज क्या? ग्लोमेरेला या फिर ग्लोमेरेला सिंगुआटा, ग्लोमेरेला लेंडमूथियानम या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर क्या होगा बेटा इसका? कौन सी स्टेज है जो इसकी परफेक्ट स्टेज है? ये लाल सड़न रोग करता है गन्ने में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता, अरे यार मुझे सही में नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं बताया किसी ने, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बच्चों को बता देती हूँ। पर आज ही अच्छा है कि मुझे किसने बताया, नहीं तो मैं तुम लोग बता नहीं सकती, है ना। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा नरेंद्र। फी रिटर्न होगा क्या मैम? यहाँ बस नालायक हो तुम। अब यार ये मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, ठीक है, बाद में हंस भी रहा पूछ के। ओके, बी बी, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। ओके, तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा ग्लोमेरेला टुकुमेनेंसिस, ठीक है, ग्लोमेरेला टुकुमेनेंसिस होगा। सो बेसिकली ये इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म भी है कलेक्टोट्राइकम फलकेटम के अलावा, और ये परफेक्ट स्टेज का होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर रॉन्ग पेयर यानी कि गलत जोड़ी आपको सेलेक्ट करनी है। इर्गॉट ऑफ बाजरा, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस, फॉल्स स्मट ऑफ राइस, क्लेविसेप्स ओराइजी, इर्गॉट ऑफ राई, क्लेविसेप्स परप्यूरिया और रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कलेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोइड्स। अब आपको यहाँ पर सही बताना है कि गलत जोड़ी कौन सी है इनमें, ठीक है। चलो बताओ बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून साहिल, वेलकम इन द सेशन बेटा। बहुत दिनों के बाद आप सेशन में आ रहे हो, है ना। मैम हिंदी आप भूल, नहीं नहीं हिंदी नहीं भूल रही हूँ बेटा, मुझे पता है कि हिंदी वाले बच्चे भी हैं, है ना। ये जो जितने भी डिजीजेज हैं बेटा, ये आपको ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है। मैम स्पाइसीज का, नहीं नहीं बेटा उसका नहीं दे, फील्ड क्रॉप की है आपके पास, सर फील्ड क्रॉप की, ठीक है, तो फील्ड क्रॉप की देखनी है। अरे यार नहीं पता मुझे, अब मुझसे नहीं पूछो, चलो ठीक है। तुम लोगों को यही लगता तो यही सही, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, बता दिया मैंने यार, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बी और डी, ज़्यादातर बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इस बार ध्यान से देखा तुम लोगों ने, चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। पर यार तुम लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, 600 लाइक पे ले जाओ जल्दी। चलो कलेक्टोट्राइकम फलकेटम रेड रॉट, चलो देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर फॉल्स स्मट वाला भी गलत है, ठीक है, फॉल्स स्मट ऑफ राइस, ये स्टिलागो कॉज करता है, और यहाँ पर बेसिकली रेड रॉट वाला भी गलत है, कलेक्टोट्राइकम फलकेटम करेगा, ठीक है। तो ग्लियोस्पोरियोइड्स यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी रेड रॉट सॉरी फॉल्स स्मट वाला जो है बेटा ये भी स्टिलागो कॉज करेगा, ठीक है, स्टिलागो कॉज करेगा। बी इज रॉन्ग, वो भी है और ये भी है बेटा, यहाँ पर कलेक्टोट्राइकम फलकेटम हो जाएगा, रेड रॉट ऑफ शुगर किन, कलेक्टोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोइड्स नहीं होगा। तो दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर गलत दिए थे आपको। चलो आगे चलते हैं। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका कॉज क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसिफर कैन बी कंट्रोल। भाई आपसे पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका जो है ये क्लब रूट डिजीज कॉज करता है, और इसको कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, बताइए बेटा। तो इसको रेजिंग द पीएच ऑफ सॉइल, यानी कि अगर हम सॉइल का पीएच बढ़ा दें उससे रोक सकते हैं, डिक्रीज द पीएच ऑफ सॉइल इससे रोक सकते हैं, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फटाफट से बताओ। और यार जल्दी से सेशन को लाइक भी कर लो यार, जल्दी कर लो। चलो डी, अच्छा कुछ बच्चे डी आंसर करें, ओके ठीक है। और क्या है बेटा, कैसे कंट्रोल करोगे बताओ, बी से कंट्रोल करोगे, ए से कंट्रोल करोगे, डी से कंट्रोल करोगे, अच्छा डाउन द पीएच, ओके सी ठीक है, और
सी. ओके ओके ओके. ए. कुछ बच्चे ए आंसर करें, कुछ बच्चे सी आंसर करें. तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिंग द पीएच ऑफ सॉइल, पीएच सॉइल के पीएच को बढ़ा के. ठीक है, चलो. डाउनी मिडियो ऑफ बाजरा इज कॉज बाई, तो बाजरा में जो डाउनी मिडियो का रोग होता है वो कौन करता है बेटा? तो ये आपसे पूछ रहा है कि स्केलरोस्पोरा सॉर्गाई करेगा, सेकेराई करेगा, स्केलरोस्पोरा ग्रेमिनिस करेगा, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका करेगा. सही उत्तर बताइए बेटा क्या होगा. बेटा ये क्वेश्चन आप एग्रोनॉमी में कृष्णा सर से पूछना, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इसको. ठीक है, सी भी लग रहा है. ओके, डाउनी मिडियो के लिए स्केलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला लग रहा है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. और बताओ डाउनी मिडियो का रोग कौन करेगा बाजरा में, बताओ बेटा. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, कोई बात नहीं शुभंकित, कोई बात नहीं बेटा. ए ए ए, ज्यादातर बच्चे ए आंसर करें, सौरघाई. ओके चलो देखते हैं बेटा. तो स्केलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, स्केलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ठीक है. ठीक है, हाँ स्केलरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला सही है. ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. डंपिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग ड्यूरिंग द नर्सरी स्टेज इज कॉज बाय द पैथोजन, तो आप लोगों ने डंपिंग ऑफ का रोग देखा होगा. ठीक है, हाँ बेटा सी ही है. ठीक है, डंपिंग ऑफ का रोग देखा होगा. तो डंपिंग ऑफ का जो रोग होता है वो किस ये पूछ रहा है कि नर्सरी चरण के दौरान जो डंपिंग ऑफ का जो रोग होता है ये किस रोगजनक कारक के द्वारा होता है? पिथियम एफेनिडर्मेटम या फिर डिब्रेयानम या फिर फाइसोडर्मा मेडिस या फिर बोथ ए बी एंड सी, बताइए बेटा. डंपिंग आपका जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है बताओ? डंपिंग ऑफ का जो रोग होता है वो ज्यादातर किसके द्वारा होता है, जल्दी बताओ बेटा. डी और बी, अच्छा डी और बी. ओके ठीक है. ओके, तो बेटा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी और सी. ठीक है, तो पिथियम डिब्रियानम ये भी सही है और पिथियम एफेनेडर्मेटम ये भी सही है. और ये ज्यादातर टमाटर में करता है बेटा, टमाटर में या पपीते में अगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादातर कौन करेगा? पिथियम एफेनेडर्मेटम करता है. ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है. ठीक है चलिए, बोथ बी एंड सी हो जाएगा. चलो, गमोसिस डिजीज ऑफ सिट्रस विच इज कॉज बाय द फाइटोफथोरा पल्मिवोरा इट इज आइडेंटिफाइड बाय एब्जॉर्बिंग. ये कह रहा है कि जो नींबू है, नींबू में गमोसिस का जो रोग होता है बेटा, तो उस रोग को आप कैसे पहचानते हो कि उसे फाइटोफथोरा ने किया है? डेथ ऑफ शूट टिप, यानी कि तना मर जाता है, तने की जो तने का जो ऊपरी भाग होता है वो खत्म हो जाता है. रूट नॉट, जड़ों में गांठे बन जाती है. क्लोरोसिस, यानी कि क्लोरो ये क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है. या फिर ऊजिंग ऑफ गम, या फिर गम जो है वो ऊजिंग ऑफ गम, यानी कि गम निकलने लगेगा. तो किसके द्वारा होगा? मैम मेज भी करता है, मेज में करता है, क्या करता? अच्छा ओके, बताओ बेटा. डी ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं, डी. ठीक है ठीक है ठीक है, ऊजिंग ऑफ गम, ऊजिंग ऑफ गम भाई, गमोसिस होगा. गमोसिस कर कौन रहा है? फाइटोफथोरा कर रहा है. ठीक है, फाइटोफथोरा पल्मिवोरा. और ये कैसे करता है बेटा? ऊजिंग ऑफ गम, इसमें क्या होता है? गम निकलने लगता है. ठीक है, उससे पता चल जाता है गमोसिस है. चलो आगे चलते हैं. डाउनी मिडियो डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट इज प्राइमरली, तो जो डाउनी मिडियो का रोग होता है बाजरे में मुख्यतः किसके द्वारा होगा? सीड बॉर्न होगा, एयर बॉर्न होगा, सॉयल बॉर्न होगा या वाटर बॉर्न होगा, बताओ बेटा. यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा. हाँ बेटा, दोनों भाषा में होगा, दोनों भाषा में होगा. ठीक है चलो, अब यहाँ पर सही उत्तर बताइए बेटा क्या हो जाएगा. आपसे पूछ रहा है कि जो पर्ल मिलेट का इन्फेक्शन है तो इसको कौन करेगा, इसका कारक कौन होगा, जल्दी बताइए. मैम हिंदी में आंसर दीजिए, इंग्लिश में समझ नहीं आता. बेटा हिंदी में बता तो रही हूँ कि ये मृदा जनित होगा, मृदा जनित होगा. ठीक है, सॉरी बीज जनित, सीड है ना, बीज जनित होगा, या फिर वायु वायु जनित होगा, या फिर मृदा जनित होगा, या फिर जल जनित होगा, बताइए बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर. डाउनी मिडियो का जो रोग है, बताओ. डाउनी मिडियो का रोग ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ए आंसर होगा. ए आंसर करेक्ट होगा. चलो देखते हैं बेटा आंसर क्या होगा इसका. तो आंसर हो जाएगा सॉयल बॉर्न. ठीक है, सॉयल बॉर्न. चलो आगे चलते हैं बेटा, अगले में चलते हैं. अरे यार, अगले का आंसर मैंने बता दिया.
तो पाउडरी मिडियू ऑफ वीट, वीट में पाउडरी मिडियू यानी कि जो गेहूं है, गेहूं में पाउडरी मिडियू का जो रोग होता है उसको कौन करता है, तो उसको इरिसिफी ग्रामिनिस करेगा, इरिसिफी ग्रामिनिस करेगा, ठीक है, कौन करेगा बेटा, इरिसिफी ग्रामिनिस करेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा डिजीज इरगॉट ऑफ राई प्रोड्यूस बाय स्केलेरोशिया इज कॉज बाय, तो ये कह रहा है कि इरगॉट ऑफ राई, राई में जो इरगॉट का रोग है इसको इसको कौन करता है, क्लेविसेप्स करेगा, फ्यूजीफॉर्मिस करेगा, या फिर सर्टाइवा करेगा, या नन ऑफ द अबव करेगा, कौन करेगा बेटा बताओ, कौन करेगा बेटा। देखो कारक आपके पास ऐसे ही पूछे जाएंगे, जो बच्चे कह रहे हैं ना मैम हिंदी में, बेटा प्रश्न मैंने हिंदी में पूछा है, ठीक है, कारक आपके पास ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो कारक आपको ऐसे ही करने हैं, एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तब यही बोलोगे कि मैम हमने एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जाम में ऐसे पूछा, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा बेटा। चलो बताओ, तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है। और इंग्लिश का फेयर निकालो दिमाग से, इंग्लिश का फेयर निकालो, ठीक है, कुछ चीजें आपको ऐसे पढ़नी है, हाँ बिल्कुल सही, अभी आगे भी पढ़ा ना हमने ये, चलो आगे चलते हैं। सेलेक्ट द डिजीज इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ पिंक और लाइट हनी कलर्ड फ्लूड द हनी ड्यू स्टेज एक्सक्लूड फ्रॉम द स्पाइकलेट, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें शहद की बूंदे धीरे 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 शहद की बूंदे जिसमें हमें निकलती हुई नजर आती हैं, तो सिट्रस कैंकर में, ग्रीन ईयर डिजीज में, इरगॉट ऑफ बाजरा में, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस में, किस रोग में ऐसा होता है बेटा कि शहद की बूंदे हमें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जल्दी से बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा। 600 लाइक्स, टारगेट कंप्लीट, हाँ बिल्कुल टारगेट कंप्लीट है ना, चलो तो बताओ बेटा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सिट्रस कैंकर में ऐसा होता है, या फिर एडमिट कार्ड हाउ टू डाउनलोड, बेटा इस पे कोई सेशन होगा, सेशन आपको देखना होगा, ठीक है, कोई ना कोई फैकल्टी इस पे सेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो इरगॉट और शुगरी डिजीज, शाबाश बिल्कुल सही, जो बच्चा बता रहा है इरगॉट शुगरी डिजीज वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो इरगॉट जो है बेटा शुगरी डिजीज यानी कि इसको शर्करा रोग भी कहा जाता है और इसी में ये निकलता भी है। चलो आगे चलते हैं। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, बार्ले जो कवर्ड स्मट जो रोग है बेटा ये यानी कि कंडुआ रोग जो होता है इसमें जौ में, तो वो कंडुआ रोग जो है स्टिलागो के द्वारा होता है, तो ये कैसा होता है, इंटरनली सीड बॉर्न यानी कि आंतरिक बीज जनित होता है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न यानी कि ये बाह्य बीज जनित होता है, दोनों होगा या नॉट क्लियरली डिफाइंड, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, सही उत्तर क्या होगा बेटा बताइए। बेटा इस पर एक सेशन होगा, आपको सर का मिल जाएगा मार्किंग पे, तो उस सेशन में आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अगर मैं अभी बताऊंगी तो आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलो एक्सटर्नली सीड बॉर्न, इंटरनली सीड बॉर्न, कुछ बच्चे एक्सटर्नली सीड बॉर्न, बेटा स्मट का इन्फेक्शन है, कंडुआ रोग है ये, कंडुआ रोग, ठीक है। चलो बताओ ए ए ए, ज्यादातर बच्चे ए आंसर करें, तो बेटा ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नली सीड बॉर्न, ठीक है, यानी कि बाह्य बीज जनित रोग। चलो आगे चलते हैं बेटा। प्लांट प्रोड्यूस विप लाइक ब्लैक शूट ऑफन वेरी लॉन्ग एंड मच कर्व्ड ऑन इटसेल्फ इन द स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय द पैथोजन, कह रहा है कि पौधे में काले अंकुर की तरह कुछ बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ होता है और ये अक्सर बहुत ही लंबा होता है, तो गन्ने में जो स्मट यानी कि कंडुआ रोग होता है, तो सॉरी हाँ गन्ने में जो कंडुआ रोग होता है कभी कभी, तो उसमें बहुत ही घुमावदार होता है कुछ इस तरीके से, और ये इसका रोगजनक कारक क्या होता है, तो स्टिलागो नूडा होगा, ट्रिटिका ही होगा, सिटामिनिया होगा, या हॉर्डाई होगा, मतलब बोलने का मतलब कि गन्ने में जो कंडुआ रोग है वो करता कौन है, सीधी सी बात है, ये उसके सिम्टम बता रहा है, लक्षण बता रहा है, ठीक है, कि उसमें बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ होता है, वो अजीब से काले रंग का दिखाई देता है, पूरा खराब हो जाता है, तो बोल ये पूछ ये रहा है वो कि जो गन्ना है गन्ने में कंडुआ रोग कौन करता है, यानी कि शुगर केन में स्मट डिजीज कौन करता है, तो सिटामिनिया, बिल्कुल सही। कॉमन ये अब आपसे पूछ रहा है बेटा कि कॉमन बंट, स्टिकिंग बंट या हिल बंट जो वीट में होता है इसको कौन कॉज करता है बताओ, ओराइसी टिलेशिया बोथ या फिर नियोशिया इंडिका, तो ये आपसे नॉर्मल स्मट पूछ रहा है बेटा, नॉर्मल स्मट पूछ रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्मट पूछ रहा है, इसको करनाल बंट मत समझना, ठीक है, ये आपसे सॉरी नॉर्मल स्मट बोल रहे, स्टिंकिंग स्मट या फिर कॉमन बंट आपसे पूछ रहा है, तो इसको कौन कॉज करेगा बेटा बताओ, कौन कॉज करेगा,
तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा टिलेशिया कैरीज, टिलेशिया कैरीज, सी नहीं होगा बेटा, टिलेशिया कैरीज होगा। चलो आगे चलते हैं। करनाल बंट ऑफ वीट इज कॉज बाई, करनाल बंट का जो रोग है वीट में वो कौन करेगा, यानी कि गन्ने में, सॉरी गन्ने में बोल रही हूँ मैं, वीट में, गेहूं में करनाल बंट का रोग किसके द्वारा होगा, नियोशिया इंडिका, टिलेशिया हॉर्डाई, यूरोसिस्टिस ट्रिटिका या फिर स्टेलागो ट्रिटिका, कौन करेगा बेटा जल्दी बताओ। डी सही उत्तर होगा, डी होगा, डी होगा, अच्छा जी बी भी होगा, अच्छा तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा नियोशिया इंडिका। करनाल बंट कौन करेगा, नियोशिया इंडिका, या फिर इसको आप टिलेशिया इंडिका भी कह सकते हो, टिलेशिया इंडिका भी कहते हो आप इसको, ठीक है, टिलेशिया इंडिका, ठीक है, क्योंकि टिलेट ने इस पर रिसर्च पेपर लिखा था, ठीक है, टिलेट ने इस पर रिसर्च पेपर लिखा था। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। येलो रस्ट ऑफ वीट इज कॉज बाई, तो वीट में येलो रस्ट कौन कॉज करता है जल्दी बताओ बेटा। हाँ बेटा ए वाले बच्चे सही हैं। चलो अब ये बताओ येलो रस्ट ऑफ वीट कौन कॉज करेगा, जल्दी बताओ, येलो रस्ट ऑफ वीट, हाँ टिलेशिया इंडिका ऑल्सो, वही बता रही हूँ, टिलेशिया इंडिका भी करता है, चलो बताओ, चलो जल्दी बताओ बेटा। पक्सिनिया एस्ट्रीफॉर्मिस, येलो रस्ट, ठीक है बेटा, तो तीनों टाइप के जो रस्ट होते हैं, जैसे रिकंडिटा है तो रिकंडिटा कौन करेगा बेटा, ब्राउन रस्ट में, ब्राउन रस्ट का इन्फेक्शन जो भूरा रतुआ रोग आप बोलते हो उसे पक्सिनिया रिकंडिटा करेगा, काला रतुआ रोग जो है उसको पक्सिनिया ग्रामिनिस करेगा जिसको आप ब्लैक रस्ट बोलते हो, ठीक है, और दूसरा आएगा बेटा ये येलो रस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो रस्ट हो जाएगा, यानी कि पक्सिनिया एस्टिफॉर्मिस, पक्सिनिया एस्टिफॉर्मिस क्या होगा बेटा, येलो रस्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट आर कॉज बाई, तो बेटा जो आप ग्राउंड नट का इन्फेक्शन देखते हो, ग्राउंड नट में मतलब जो टिक्का रोग आप, टिक्का या लीफ स्पॉट का इन्फेक्शन देखते हो किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा बोथ, या फिर इसमें ड्रेसेलेरा ग्रेमिनी के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा बेटा बताइए, किसके द्वारा होगा बताइए बेटा, किसके द्वारा होगा बेटा जल्दी बताओ, सी के द्वारा, ए और बी दोनों सी, सी बिल्कुल सही है जो बच्चे सी कह रहे हैं, तो इसमें पर्सोनाटा भी होता है और एरेकिडिकोला भी होता है, ठीक है, एरेकिडिकोला भी होगा और पर्सोनाटा भी होगा, तो जो टिक्का रोग मूंगफली में आप देखते हो जिसमें उसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं बेटा, तो इसमें जो ये रोग है ये दोनों के द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और एरेकिडिकोला, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन होना था, इसमें दोनों आना था, ठीक है। चलिए तो एक मिनट, इसका क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा चलो ओके, तो बेटा ये थी हमारे, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, और दूसरी बात कि बेटा कल आपकी मैराथन है, 8 दिन आप लोग की 8 मैराथन होंगी, 8 की 8 मैराथन में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन मैराथन में कहाँ से आ जाए आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और एट द एंड बेटा अगर आप लोग को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप बिहार बीओ की टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर सकते हो, ठीक है बेटा, तो बिहार बीओ की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको, उसके लिए आपको अड्डा 24/7 पर जाना है, जैसे ही आप अड्डा 24/7 पर जाओगे तो अड्डा 24/7 पर जाने के बाद आपको इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाना है, इस पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद एग्रीकल्चर चूज करोगे, एग्रीकल्चर जब आप चूज करोगे बेटा तो इसमें आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बिहार बीओ एसडीओ, तो ये बेटा आपको जाना है नीचे, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में आप लोग इनरोल कर सकते हो। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा बेटा, हाँ मैं बताती हूँ, पीडीएफ जो है बेटा वो आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगा, ठीक है, तो कम्युनिटी पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा बेटा बिहार बीओ की कुछ सीरीज मैं भी लेके आऊंगी, हो सकता है वो इवनिंग वाली क्लास में आए, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं आज की क्लास में थोड़ा बहुत, वैसे मैंने आज ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की
का ट्राई किया है ताकि ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड करके दे सकूं। तो बेटा इसलिए मैंने कुछ और भी बिहार बीओ के लिए एक स्पेसिफिक सेशन सोचा है, तो शायद मैं उसको इवनिंग के टाइम पे लेकर के आऊँ। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि शॉर्ट के थ्रू मैं आपको बता सकूँ कि अब वो आपका जो स्पेसिफिक सेशन है वो कब आएगा, तो उसमें आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊँगी, ठीक है। और एट द एंड बेटा ये आपका बिहार बीओ की टेस्ट सीरीज़ है, आपको बाय नाउ पे जाके इसमें कूपन कोड यूज़ करना है Y447S और इस कोड को लगा करके आप 195 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में इनरोल कर सकते हो। ये रहा एग्रीकल्चर का महापैक। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो बेटा, तो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है बेटा। कम्युनिटी नहीं मिलती है, कम्युनिटी बेटा अड्डा 24/7 के ऐप पर आपको मिलेगी, ठीक है, ऐप पर मिलेगी आपको। तो बेटा इसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है 3000 के अराउंड, 870 आपको ई बुक्स मिलती है, और ऐसी आपको इसमें ये सारी क्लासेस मिलती हैं। नाबार्ड, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके अलावा बिहार बीओ भी मिल जाएगा, IBPS SO मिल जाएगा, ठीक है, और UP SSC AGTA और MSc एंट्रेंस, ये सब मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की होती है बेटा। तो आपको इसमें Y447A कोड लगाना है और आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। पंजाब वाले बच्चे भी कुछ कह रहे हैं, पंजाब ADO का भी MCQ सेशन लेकर बेटा मैं ट्राई करूंगी। बाकी आप एक काम करना, आप डेली मेरा सेशन देखिए IBPS वाला, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ पैथोलॉजी की, तो आप उसको देखते रहो बेटा रेगुलरली, ठीक है। उसमें मैं ऐसी क्वेश्चंस लेके आऊँगी जैसे आपके पास पंजाब के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पेड क्लास में ऐड कर दीजिएगा, चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि आपको वहाँ पर भी दे दूँ, ठीक है। बाकी कम्युनिटी पर बेटा ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो आंसर विद एक्सप्लेनेशन बेटा मिल जाएगा आप लोगों को, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।